राम इज नॉट अ रिलीजन बट अ वैल्यू सिस्टम। या तो एक बहुत बड़ा जो ज्ञानी होता है उसके पास विद्या के अलावा कोई धन नहीं है। मजा तभी आता है जब मैं या तो कैमरे के सामने रहूं या क्लास में रहूं, बच्चों से जो एनर्जी मिलती है तभी मेरे पास बहुत अच्छे खासे आइडियाज भी आते हैं और बताने की थोड़ी मोटिवेशन भी ज्यादा आती है। प्यासा है तो कुएं के पास आएगा ही, जब तक एग्जाम क्लियर नहीं हो जाता तब तक तो जरूर आएगा। तो हर्षद मेहता स्कैम सोनिया गांधी जी प्रधानमंत्री न बनके वो एक ऐसे पर्सन को लेके आए जिसको बाद में लोग एक्यूज करते थे, ये जो पर्सन है ये तो पपेट प्राइम मिनिस्टर है, ये किसी के इशारे पे ही काम करता है, जो मैडम कहती हैं वही ये लोग फॉलो करते हैं। एंड ही वाज टोल्ड दैट इट इज नॉट हर्षद मेहता स्कैम, इट इज नॉट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज स्कैम, इट इज पीवी नरसिम्हा राव स्कैम। इतनी बड़ी एक पावर टू रिकॉन विथ इंडिया अपने आप में होती जा रही है, जो कि एक लीडर कैरिस्मेटिक लीडर की वजह से भी हो सकता है। जी यस, मैं मोदी जी की ही बात कर रहा हूँ, जिसको अपने लिए कुछ नहीं है, उनके ना आगे ना कुछ पीछे। एक लाइफ स्टाइल से पता लग जाता है ऑफिसर्स यदि रेस्पेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो अपने आप में रोल मॉडल बना हुआ है कि मैं ऑफिस में ऑफिस के टाइम से पहले पहुंच जाता हूँ और बात तक बैठता हूँ। तो इलाहाबाद से उस वक्त अमिताभ बच्चन एंड रिलायंस का भी केस निकल के आया था, अमिताभ बच्चन अपने भाई के साथ में वहां पे थे। The money was paid to the Honorable P.V. Narasimha Rao, the Prime Minister of India. People don't give human names to a scam. But if a human name is to be given to this scam, it is not a Harshad Mehta scam. It is a P.V. Narasimha Rao scam. Hello everyone. I hope you are fantastic there. आज का ये वीडियो वैसे तो बहुत ही ज्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में है, जिसका नाम करप्शन है, और यूपीएससी के एस्पिरेंट्स के लिए तो ये इम्पॉर्टेंट होता ही है। बट एज अ नॉर्मल सिटीजन और एक नागरिक होने के नाते, स्पेशली जब इलेक्शन का ये साल है और बजट की अनाउंसमेंट अभी हुई है, जैसे आज की तारीख यदि हम देखें तो जनवरी 30 है, दिल्ली में बारिश और बारिश में ये वीडियो, तो आज करप्शन के बारे में हम लोग बात तो करेंगे। और बेसिकली एक क्लास हुई एथिक्स की जिसमें ये वाला टॉपिक आया, जिसमें कई सारे नए डायमेंशंस भी थे, और पुराने जितने भी वीडियोस मैंने और भी बनाए हैं, जो पीडीएफ मैंने क्लास का यूज़ किया जिसमें डिक्टेशन भी होती है, बच्चे क्वेश्चन भी पूछते हैं, तो 4 से 5 घंटे की जो क्लास होती है उसी पीडीएफ को, जो डिजिटल बोर्ड का मुझे थोड़ा सा फायदा हो गया है कि मैं सेव करके और उसे इम्प्रोवाइज करके एक कैमरे के सामने वीडियो बना देता हूँ, 4 से 5 घंटे की जो क्लास होती है वो 1 घंटे में लगभग कवर हो जाती है। सो दीज पीडीएफ विद दैट आई यूज, कि 1 घंटे में जो बच्चों ने हमारे पास एडमिशन नहीं लिया है या नॉर्मल लोग जो मुझसे कनेक्टेड रहना चाहते हैं, शायद उनके फीडबैक के हिसाब से उन्हें मुझे देखना अच्छा लगता है, तो मेरी कोशिश यही होती है उनके सजेशन के हिसाब से भी कि वीडियो लगभग 2 घंटे से तो कैसे भी करके ज्यादा ना हो। रीजन इसलिए क्योंकि कोरोना का टाइम ऐसा नहीं है, भगवान करे आए भी नहीं ऐसा टाइम दोबारा कि हम घर में ही बैठे हुए हैं और उसको देखें। स्टूडेंट के लिए तो एक बार के लिए हो भी जाता है, बट स्टूडेंट के तौर पे भी मुझे जो लोग हमारे यहाँ पे एडमिशन नहीं लेते हैं उन्होंने यही चीज बोला कि सर ये पीडीएफ को कैसे भी करके हमारे पास तक पहुंचा दिया कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देके। तो मैंने इसे और भी अच्छे तरीके से बनाने की कोशिश की है, क्योंकि स्टूडेंट्स का यही कहना था कि सर नोट्स जो होते हैं उसके अलावा हमें सिनॉप्सिस बनाने होते हैं, आपका ये जो पीडीएफ है एक सिनॉप्सिस की तरह रिवाइज करने के लिए एक क्विक सरसरी निगाह से देखते हुए हम एग्जाम में चले जाएं तो हमारे लिए बड़ा फायदेमंद होता है। तो मुझे तो आसानी के साथ साथ में स्टूडेंट्स के जो इंटरेस्ट है उन सबको सब सर्व करना ही है, सो दैट्स हाउ आई एम जस्ट कलेक्टिवली डूइंग एवरीथिंग फॉर मी एंड फॉर यू गाइस। आते हैं वापस आज के टॉपिक के ऊपर, जो करप्शन का मुद्दा है। करप्शन एक डेमोक्रेसी से एसोसिएटेड वर्ड है, ये एक हार्ड रियलिटी हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। रीजन इज वेरी सिंपल कि डेमोक्रेसी जो है वो एक नेसेसरी इविल है, मतलब सारे ऑप्शंस में से जैसे मोनार्की देखें या फिर कम्युनिस्ट रेजिम देखें या ऑटोक्रेटिक रेजिम देखें, कोई सी भी चीज उठा के देखें, थियोक्रेसी देख लें, डेमोक्रेसी इन सब ऑप्शंस में से अच्छी है, लेकिन वो अपने आप में सबसे अच्छी है ये हम नहीं कह सकते, बिकॉज क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स भी है, बहुत सारे पॉलिटिशियंस के ऊपर केस होते रहते हैं, वो केस झूठे हैं सच्चे हैं क्या है ये तो जुडिशरी ने टाइम टाइम पर हाईलाइट किया हुआ है, बट हार्ड रियलिटी यही है कि जो पावर है वो बैलेट बॉक्स से निकलती है, लोग किन कैंडिडेट्स को वोट देते हैं ये डिपेंड करता है उनकी विशेष के ऊपर, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो कैंडिडेट करप्शन में इन्वॉल्व है, स्कैम में इन्वॉल्व है या कोई भी बात। और बड़ी नेशनलिस्ट जो नेशनल पार्टीज हैं वो किसी भी कैंडिडेट को यदि टिकट देती हैं तो वो तो बेसिकली एक ही निशान होता है, जैसे आज की डेट में बड़ी बड़ी पार्टियों की बात करें
तो बीजेपी है जो बहुत अच्छा काम कर रही है, तो कमल के ऊपर बटन दबाए। आज तो ईवीएम होती है आजकल, पहले मोहर लगा दी होती थी, तो जो भी प्रचार होता है चुनाव का उसमें इस तरीके से चलती रहती होगी बात की कमल के ऊपर बटन दबाएं और भाजपा को जिताएं, देश को बचाएं। तो इन्हीं सब चीजों के चलते हुए कि देश को किससे बचाएं, ये करप्शन की बात हम लोग करेंगे। लेकिन इससे पहले एग्जाम्स पर्सपेक्टिव से मैं ये जरूर बताना चाहूंगा कि हम लोग अभी क्लास कर रहे हैं इथिक्स की, तो जीएस पेपर 4 के अंदर मैं ये करप्शन का टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हमें स्टफ के रूप में किसी भी आंसर में इसे यूज करना पड़ सकता है, चाहे वो केस स्टडी हो या वो स्कॉलर से रिलेटेड हो या नॉर्मल एथिक्स के टॉपिक हो या मोरालिटी हो या एप्टीट्यूड हो या एटीट्यूड हो ब्यूरोक्रेट्स का। उसके अलावा ऐसे के अंदर भी करप्शन को यदि हमें पढ़ना है तो इस तरीके से पढ़ना है कि हमें यदि 15-20 पेज का ऐसे भी लिखना पड़े करप्शन के ऊपर तो हम लिख दें। ये बात उस तरीके की है, जैसे मैं इंटरव्यू आजकल चल रहे हैं तो मैं उनको ये बोलता हूँ कि एक एक वर्ड जो आपने डेफ के अंदर में है, डेफ मतलब डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म जो इंटरव्यू दे रहे होते हैं यूपीएससी में, जैसा कि अभी चल रहा है, तो एक एक वर्ड के ऊपर आप अपना ऐसे लिख दो, चाहे वो आपका नाम हो, आपका नाम कमल है तो उसके ऊपर 10-15 पेज का ऐसे लिख जाना चाहिए कि कमल का साइंटिफिक नेम ऐसा होता है, इसका यूज यहाँ पे है, ये नेशनल सिंबल्स के रूप में कहाँ कहाँ पे यूज होता है, पूरा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, इंटरनेशनल सिनेरियो, नेशनल सिनेरियो, स्टेट्स से उसके यूसेस, कंट्रोवर्सी, सारी चीजें आ जानी चाहिए, मूवीज कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी बिग पर्सनैलिटीज हैं, सब कुछ। उसी तरीके से करप्शन के ऊपर आपको ऐसे भी आना चाहिए, कोई सा भी दूसरा ऐसे आएगा चाहे वो इंटरनेशनल बॉडीज से लेकर हो या आज की आपकी पर्सनैलिटी को लेकर हो, ये स्टफ आप यूज कर सकते हैं। तीसरी बात, जीएस पेपर 2 गवर्नेंस के अंदर में भी ये करप्शन जैसी जो स्टफ है वो यूज होती है। नाउ अभी आज के जो टॉपिक को हमने कवर करना है वो बेसिकली आज का जो करप्शन है, तो कहते तो इस तरीके से है कि यदि हमें आज का जो वर्तमान है, प्रेजेंट सिनेरियो यदि समझना है तो हमें अपने कल को देखने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि चीजें तो नई होंगी लेकिन हम 100, 200, 1000, 2000, 3000 साल से चलते हुए आ रहे हैं, तो ये करप्शन जैसी कौन कौन सी चीजें हुई हैं, इसके सॉल्यूशंस के लिए किन किन लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से बात की है, मैं आज चाणक्य कौटिल्य की भी बात करूंगा। और आज की डेट में जब पोस्ट इंडिपेंडेंस के टाइम पर जब हम लोग आजाद हो गए, तो पॉलिटिकल पार्टीज के होते हुए जो फ्रीडम स्ट्रगल में इन्वॉल्व थे, हमने करप्शन शुरू से देखने की आज तक कोशिश नहीं की, लेकिन फिर भी हमें बार बार वो चीजें दिखती रही। और आज जब गवर्नमेंट काम कर रही है तो भी छोटे जो स्कैम्स होते हैं, एपिसोड्स होते हैं, वो भी हमें नजर आते हैं। तो ऐसा क्या है जो कि हम इस करप्शन को एक्सट्रीम में जाके समझ सकते हैं? मुझसे किसी ने ये कहा कि आप करप्शन को बिठा ही नहीं सकते, एक जनरल अनएम्प्लॉयड लोगों की जब बस में ट्रेवल कर रहे हैं या ट्रेन में या फ्लाइट में, तो यही बातें थोड़ी कभी कभी तूल पकड़ जाती हैं, मतलब एकदम मोमेंटम ले जाती हैं। तो मैं तो इन सब चीज़ों से खैर बचता हूँ, मुझे मज़ा तभी आता है जब मैं या तो कैमरे के सामने रहूँ या क्लास में रहूँ, बच्चों से जो एनर्जी मिलती है तभी मेरे पास बहुत अच्छे खासे आइडियाज़ भी आते हैं और बताने की थोड़ी मोटिवेशन भी ज़्यादा आती है। करप्शन के लिए सबसे हार्ड क्वेश्चन मैंने आप लोगों के सामने एक बनाया है, मतलब व्हाट इज करप्शन, हाउ इट कैन बी रिमूव्ड, लाइक दैट इट इज नॉट। मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद में प्रैक्टिस के तौर पर ये सोचने की कोशिश करना या लिखने की कोशिश करना, दैट मोर यू ट्राई टू रिमूव करप्शन, ये मैंने क्वेश्चन यहां पर लिखा हुआ है, मोर इट विल इंक्रीज। एक्सप्लेन, मतलब आप करप्शन को जितना ज्यादा हटाएंगे उतना ही ज्यादा ये फैलेगा, ये ऐसी ऑर्गेनिज्म है जैसे कि इसको खत्म करते जाएं ये अपने आप से और उतनी ही ज्यादा प्रोपेगेट होगी। ऐसा कैसे है? ऐसे इंटरनेशनल प्रेसिडेंट्स, मतलब एग्जाम्पल्स, डेवलपमेंट्स, नेशनल डेवलपमेंट्स आपको देने पड़ेंगे स्कॉलर्स के थॉट को बैकिंग लेते हुए। मतलब आप बात कह रहे हैं तो आप अपने आप में बहुत बड़े आदमी नहीं है, ना मैं हूं, मुझे भी अपनी बात को सब्सटेंशिएट करना है, तो एग्जाम्पल्स के साथ साथ स्कॉलिस्टिक व्यूज, जो बड़े बड़े लोग हैं जिनको लोग जानते हैं, उनकी बातों को फॉलो करते हैं, उनका नाम हमें लेना पड़ेगा, चाहे वो एरिस्टोटल हो, प्लेटो हो, सावित्री बाई फूले हो, महात्मा गांधी हो, विवेकानंद हो, वॉरेन बफेट हो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट को लेकर, तो किसी भी नाम को हम लोग यूज कर सकते हैं। यूपीएससी में तो और भी कई सारे नाम आए हैं, अब्राहम लिंकन, राइट, यूएस से कितनी सारे एक्सपीरियंसेस हैं, मैंने वीडियो भी बनाया हुआ है अब्राहम लिंकन के ऊपर, तो पूरा का पूरा एक एथिक्स की प्लेलिस्ट है, आपको कभी मौका मिले पूरा देखने का, नोट्स साथ साथ में बनाने का तो जरूर देखिएगा। नाउ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव जो करप्शन का है उसको हमने एंशियंट, मिडाइवल एंड आज की डेट में मॉडर्न जो पोस्ट इंडिपेंडेंस सिनेरियो है उसमें बांटा हुआ है। उसके अलावा जो आज का सिनेरियो है उसे हमें समझने की जरूरत है कि कौन कौन सी इंटरनेशनल थ्योरीज हैं, कौन कौन सी ऐसी किताबें जो करप्शन के ऊपर लिखी हुई हैं और उसमें ब्रिलियंट आइडियाज क्या हैं, एंड ऑल्सो सम ऑफ द बेस्ट आर्टिकल्स ऑफ द न्यूज़पेपर्स, वो भी मैं आप लोगों के साथ में लास्ट में
शेयर करूंगा, जिससे कि आपको ये लग जाए कि भाई ये वीडियो देख लिया, इट इज काइंड ऑफ मैग्ना कार्टा थिंग फॉर करप्शन, हमें इसी पीडीएफ को फॉलो कर लेना है। मतलब मेरी अपनी तरफ से ये कोशिश है कि मैं इसमें सब कुछ डालने की कोशिश करूं, बट स्टिल आप लोग दूसरे भी वीडियोस को देखकर अपनी इस वाली जो नॉलेज है इसको इम्प्रोवाइज कर सकते हो, एड ऑन कर सकते हो चीजें। नाउ हम अपनी बात को शुरू करते हैं एंशियंट इंडिया के डेवलपमेंट से। कई सारी ऐसी चीजें हैं जो हम जानते हैं पहले से, कई सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें जाननी है। करप्शन जैसी चीज तो सिंस द टाइम मेमोरियल ये चली आ रही है, वो चाहे राम राज को लेकर हो या फिर श्रीलंकन किंगडमशिप हो रावण की, और आज तक की जो सिनेरियो है वो तो चलता ही आ रहा है। उसका रीजन एक सिंपल है कि जो ह्यूमन बीइंग है वो पैदा हुआ है, उसमें डार्विनियन एक फिलोसफी भी कहती है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कि भाई खुद को जीने के लिए कभी कभी दूसरे को भी मारना पड़ता है। मेरी एक थ्योरी, जब मैं आर्टिकल 14 पढ़ाता हूं तो मैं उसमें बताता हूं सर्वाइवल ऑफ द वीकेस्ट होना चाहिए, डार्विनियन थ्योरी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, इसको मैं काउंटर करने की कोशिश करूंगा। क्योंकि फिटेस्ट की बात क्यों करनी है, यदि हमें किसी को सपोर्ट करना है इक्वालिटी इक्विटी को अप्लाई करके, तो सर्वाइवल ऑफ द वीकेस्ट को किया जाए। सो आई विल प्रमोट कि भाई सर्वाइवल ऑफ द वीकेस्ट थ्योरी शुड रिप्लेस सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट थ्योरी। मतलब चैलेंज भी हो सकता है एक तरीके से, आई हैव नॉट थॉट कि मैं इतने डीप में जाऊं। नाउ 2300 ईयर्स बैक जब करप्शन की बात को थोड़ा सीरियस किसी पर्सन ने लिया, जिसको हम कौटिल्या कह लें या चाणक्य कह लें या विष्णुगुप्त कह लें जो बाद में जाने गए, तो उन्होंने एक बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट लिखा था अर्थशास्त्र, सारे लोग पढ़ते हैं और एज ऑप्शनल में तो बहुत ही ज्यादा डीप में जाके पढ़ते हैं, मैं यहाँ पे केवल करप्शन के जो एलिमेंट्स हैं वहां से फिल्टर करते हुए कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा। तो उन्होंने बहुत डीप काम किया। तो पहले बेसिकली जब हिस्ट्री वाले टीचर ने आपको पढ़ाया होगा, मैं तो इथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूं और बहुत पता भी नहीं है, और हिस्ट्री के टीचरों से मैं माफी भी मांगूंगा कि उनका बस थोड़ा सा एलिमेंट मैं यहां यूज कर रहा हूं। तो हिस्ट्री के अंदर में महाजनपदास पहले होते थे, उनमें से एक बहुत बड़ा या सबसे बड़ा जनपद था मगध राज्य। मगध राज्य के अंदर में बेसिकली जो किंग धनंत थे, मगध राज आज की डेट में गया और पटना बिहार का जो इलाका है वहां से बिलोंग करता है एक तरीके से, तो वहां पर बेसिकली करप्शन काफी फैला हुआ था। और कौटिल्य चाणक्य जिसकी मैं बात कर रहा हूं, ये तक्षशिला में एक बहुत बड़े आचार्य थे, और कई सारे मुद्दों पे बात के अलावा करप्शन के ऊपर भी इनके जो विचार थे वो बहुत अच्छी थी, और इस तरीके से विचार से निकलती हुई एक धारा भी बह चली थी जो इनके प्यूपिल्स मतलब जो शिष्य होते थे उनमें भी फॉलो होती थी। तो तक्षशिला जो बेसिकली आज की डेट में रावलपिंडी पाकिस्तान या अफगानिस्तान का कुछ इलाका समझ लें, वो इंटरनेशनल सेंटर ऑफ स्टडीज हुआ करता था। मतलब उस वक्त के जो देश थे वहाँ के लोग मतलब बच्चे वहाँ पे आके पढ़ते थे, जिनको बहुत ज़्यादा ज्ञान को लेना होता था, तो टीचर्स का तो एक प्लेस बनता है जहाँ पे स्टूडेंट्स को आना ही पड़ेगा, प्यासा है तो कुएं के पास आएगा ही, जब तक एग्जाम क्लियर नहीं हो जाता तब तक तो ज़रूर आएगा, बशर्ते कुएं में पानी हो और वो पानी बहुत अच्छा पीने लायक हो और उसके नॉलेज के स्वास्थ्य के लिए नॉलेज की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा हो। एनीवे, नाउ जब किंग धनंत के पास मैं कौटिल्य जो चाणक्य बेसिकली कहे जाते हैं अर्थशास्त्र डॉक्यूमेंट के हिसाब से, वो गए कि भाई आप करप्शन जैसी जो चीजें हैं, एडिशनल टैक्स आप लगाते हैं, एट्रोसिटीज हो रही है केवल अपने राज्य की जो सोल्जर्स है उसको मेंटेन करने के लिए, क्योंकि टैक्स का बेसिकली मेन कॉन्सेप्ट मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि एक स्टैंडिंग आर्मी को यदि मेंटेन करना है तो हमें टैक्स लगाना पड़ेगा। तो एट्रोसिटीज बहुत ज्यादा थी, लेकिन राजा धनंत ने उनकी बात को इग्नोर कर दिया। तो एक बहुत बड़ा जो ज्ञानी होता है उसके पास विद्या के अलावा कोई धन नहीं होता, और जब उसके ईगो को ठेस पहुंचती है तो फिर वो कहीं ना कहीं एनर्जी बहुत बड़ी किताबों में रिलीज होती है। और यही कौटिल्या ने उनकी इस बात को जब राजा धनंत ने इग्नोर किया तो उन्होंने अर्थशास्त्र नाम के डॉक्यूमेंट को लिखा, जो बेसिकली एक फाइनेंशियल कंट्रोल की बात अलग है, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में है कि एडमिनिस्टर कैसे किया जाए। तो यहां पर बेसिकली जब अर्थशास्त्र उन्होंने लिखा तो उसके अंदर में 40 वेज 40 तरीकों के हिसाब से कंट्रोल करना कि कैसे एक राज्य को सीक्रेट एजेंसीज मेंटेन करनी चाहिए जिससे कि खबर पहुंच सके राजा तक कि क्या क्या गलत सही हो रहा है छुपते हुए, ऑडिट होना चाहिए, रेगुलर ऑफिसर्स की पोस्टिंग होनी चाहिए जिससे कि वो एक जगह के साथ में अपना रिलेशन न बना लें और एक कलेक्टिव रूप में टीम तैयार न कर लें किसी भी गलत चीज को करने के लिए और वो ऊपर तक पहुंचे ही नहीं। देन उसके अलावा भी कई सारे और तरीके थे, आई एम नॉट गोइंग डीप इन इट, एक फिल्टर करते हुए हम लोग एथिक्स के एंगल से देखने की कोशिश कर रहे हैं। सो बेसिकली ये जो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन चाणक्य ने बनाया वो एक आइडियल स्टेट, एक उटोपियन स्टेट
को लाने के लिए बनाया था, उटोपिया मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, एक मेंटल मैप जो बेसिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी उस रेफरेंस पॉइंट को हम बना के रखें तो हम वहां तक पहुंच सकते हैं। जैसे राम, एक आज की डेट में मर्यादा पुरुषोत्तम राम का कॉन्सेप्ट होता है कि भाई मर्यादा पुरुषोत्तम राम तक तो हम नहीं पहुंच सकते, लेकिन फिर भी उनके जो वैल्यूज हैं उनको यदि हम फॉलो करें तो थोड़ा बहुत वहां तक तो पहुंचेंगे, राइट। सो बेसिकली राम इज नॉट अ रिलीजन बट अ वैल्यू सिस्टम, जो कि किसी भी बच्चे को, किसी भी रिलीजन का बच्चा हो, उसको सीखने के लिए उसके माँ बाप को जरूर खुशी मिलेगी, चाहे सोसाइटी के लोगों को मिले या ना मिले। आप अपने दिल से पूछ सकते हैं कि क्या ऐसे बच्चे आपको भी पसंद होंगे जिनमें वैल्यूज बहुत अच्छी हों, सच बोलते हों और बहुत ज्यादा गलत चीजों में ना हो, वगैरह वगैरह। नाउ जब ये जो उटोपियन स्टेट का कॉन्सेप्ट लिखा, तो चाणक्य कहीं ना कहीं काम कर रहे थे कि मैं इस चीज को पूरा का पूरा फॉलो करूं। एंड किस्मत में भी यदि कोई बातें लिखी होती है तो मौका भी मिलता है। तो चंद्रगुप्त के टाइम पर चाणक्य उनके एक मेन नॉलेज थिंक टैंक बॉडी में तो थे ही, बट प्राइम मिनिस्टर भी बने और विष्णुगुप्ता के नाम से भी जाने गए। और ये चंद्रगुप्त ने अर्थशास्त्र की नीति फॉलो करते हुए अपने एम्पायर को बहुत बड़े तरीके से फैला दिया और अर्थशास्त्र की नीतियों पर ही चलते हुए ये पॉसिबल हो पाया। और इसीलिए अर्थशास्त्र को वैसे लिख के कहीं कोने में वो बुक पड़ी रहती, इस किंगडमशिप के एक्सपेंशन की वजह से, इस एम्पायर के एक्सपेंशनिज्म की वजह से ये आज की डेट में बहुत बड़ा फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट माना जाता है। जैसे इंडिया में ही फॉलो नहीं किया जाता, दूसरे जो कंट्रीज हैं इंक्लूडिंग चाइना, वहां पर भी इस चीज को रथलेसली फॉलो किया जाता है। नाउ कमिंग बैक, जब इंटरनेशनल स्कॉलर्स यहां पर आए और उन्होंने, जैसे जनपद मैंने मगध की बात की, जब ये चंद्रगुप्त का टाइम चल रहा था और अर्थशास्त्र की नीतियों को फॉलो किया जाता था, तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से पोर्ट्रे किया। उन्होंने लिखा कि यहां पर घरों में ताले नहीं लगते, ऑनेस्टी जो है, लोगों की ईमानदारी, वो सबसे बड़ा एट्रीब्यूट, मतलब लक्षण है उनके पर्सनैलिटी का, उनके व्यक्तित्व का। अब ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी एंड ऑनेस्टी इज द बेस्ट एट्रीब्यूट ऑफ सम पर्सन, ये तो हम आज भी देख सकते हैं शायद डॉक्टर कलाम जैसे पर्सनैलिटी में। लेकिन मैं यदि ये कहूं कि घर में ताले नहीं लगते, तो ये अपने आप में एक बड़ा सरप्राइजफुल फैक्टर बन जाता है कि यार हम अपना घर यदि ओपन छोड़ के जा सकते हैं क्या, यहाँ पे कोई चोर नहीं होगा। ऐसा एक आइडियल स्टेट, ऐसी कंट्री, ऐसी कोई छोटी सी जगह भी हमें मिल जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी जगह से पवित्र कोई चीज नहीं हो सकती जहां पे माथा ना टेका जाए। एनीवे, फायान एंड होएनसांग जैसे स्कॉलर्स भी आए जिन्होंने बेसिकली इन सब बातों को रिपीट किया। इंडिका जो बुक है वो मेगास्थनीज ने लिखी थी, और इन सब बुक्स के अंदर में जो भी बातें लिखी गई वो उस वक्त के फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन से रिजल्टेंटली जो उस जगह पर देखने को मिल रहा था कि भाई घरों में बेसिकली ताले नहीं लगते और कोई भी मोल भाव इस तरीके से नहीं होता कि कोई किसी के ऊपर शक करे कि कोई महंगे दामों में कोई चीज दे रहा है, जो दे दिया वो उतने का ही है बेसिकली, और आंख बंद करके लोग एक दूसरे के ऊपर विश्वास करते हैं। ये कैसे पॉसिबल होगा ये तो बताना हमें मुश्किल है, लेकिन फिर भी ऐसी कोशिश जरूर की जा सकती है आज भी। ये बेसिकली आप लोगों के लिए बहुत अच्छा कंटेंट है जो आप बेसिकली एंशियंट इंडिया से निकाल सकते हैं। उसके बाद मैं सीधा जंप लेता हूं, शायद मैं आगे चल के दोबारा एंशियंट के ऊपर वापस आऊं, मिडाइवल इंडिया के ऊपर। मिडाइवल इंडिया बेसिकली बहुत लंबे समय का जो पीरियड है, बट हिस्ट्री से मैं केवल उसी डायमेंशन की बात करूंगा जो हमारे इथिक्स एंड करप्शन से रिलेटेड होगी। अलाउद्दीन खिलजी कैसे वो राजा बना, किसी को मार के अपने ही रिलेटिव्स को, वो बातें अलग हैं। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर करप्शन को कंट्रोल करने के लिए 1296 एडी के अराउंड में वहां पर बेसिकली इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश, क्यों? क्योंकि भाई आपको यदि महंगा सामान खरीदना है उसके लिए पैसे का अरेंजमेंट करना पड़ेगा, और पैसा आएगा कहां से यदि सैलरी के अलावा पैसे की जरूरत है, महंगी प्रॉपर्टी वगैरह वगैरह जो भी, तो उसके लिए आप अंडर द टेबल मनी वाला यूज करना चाहेंगे। सो इन्फ्लेशन कंट्रोल होना बहुत ज्यादा जरूरी है अलोंग विद एडिक्वेट सैलरी, जिससे कि लोग करप्शन के बारे में कंपल्सिवली ना सोचे कि भाई नेसेसिटी है हमारी, हमें घर का खर्चा चलाना है इसलिए करप्शन करना है, ये कारण बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ऐसा सिक्स में कमीशन में एक मेन एजेंडा था कि भाई पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर के जो ऑफिसर्स हैं उनकी सैलरी को गैप को खत्म करना है। कहीं दो जो क्लासमेट है, एक आईएएस बन गया और एक प्राइवेट सेक्टर में है, प्राइवेट सेक्टर वाले को 5-10 लाख रुपए मिल रहे हैं, 1 करोड़ का पैकेज है, और जो आईएएस बना है इज्जत बहुत अच्छी खासी है लेकिन पैसे के तौर पर उसे कम मिलता है, मतलब उस वक्त की मैं यदि बात करूं तो 1 लाख से 2 लाख के बीच में, तो जो शायद उसे लगा कि मेरे शायद सारी की सारी नीड को ध्यान में रखते हुए कम हो सकती है, तो ऐसी चीज जो अंदर से ही निकल के आ रही है, घर से निकल के आ रही है, वो मजबूर तो करेगी ना। इसके अलावा कहीं आपके जो शादीशुदा जिंदगी में मैडम ने ये बोल दिया कि मुझे हीरो का हार ला के दो,
तो फिर और भी कंपल्शन बढ़ जाता है कि भाई इमोशंस हैं, उसको पूरा करना है। तो हालांकि मैं ये पर्सनैलिटी में यदि बात करूँ तो किसी भी फीमेल को ये नहीं सोचना चाहिए कि यार मेरे को आप हीरो का हार ला के दो। उसे तो ये कहना चाहिए क्या हीरा जब मैं तुझे देखती हूँ, मतलब अपने हस्बैंड को या मेल को देखती हूँ, तो बस तेरे से बड़ा हीरा मुझे कोई नजर ही नहीं आता। ऐसी यदि वैल्यू सिस्टम बन जाता है ना तो रिलेशन में बहुत ही ज़्यादा मजा आता है। मनी सेंट्रिक रिलेशन बनना, चाहे वो अरेंज मैरिज के रूप में हो या मैरिज के रूप में हो या फिर वो ब्रदर्स के बीच में हो हिडन तरीके से, वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग होता नहीं है। जो अभी तक का मेरा छोटा सा अनुभव है और बड़े लोगों से जो मैंने सुना है, वो एक कलेक्टिव तरीके से मैंने आपको बताने की कोशिश की। एनीवे, कमिंग बैक, सो बेसिकली करप्शन का मुद्दा तो आप आईएएस आईपीएस बनोगे या ऑफिशियल सर्किल में आप देखते हो, वो तो है ही है, बट चैरिटी बिगिंस एट होम। आप अंदर से कैसे हैं, अपने घर में कैसे हैं, आपके वैल्यू सिस्टम कैसे हैं, अपने दोस्तों को लेके, ये यहीं से शुरू हो जाता है। और वैल्यूज को आपने थोड़ा सा एड्रेस कर लिया तो ऑफिशियल सर्किल के आप कहीं पर भी जाते हैं एक एग्जाम्पल के रूप में, एक अपनी छाप छोड़ के आते हैं किसी के भी माइंड के ऊपर। कोई शायद आपको बेवकूफ कह ले इमीडिएटली, बट डेफिनेटली इन अ लॉन्गर टर्म वो आपको एक्सेप्ट कर लेगा क्योंकि वो आपसे बहुत नीचे है। तो वो आपको देख के, आपकी ईमानदारी को देख के यही कहेगा अरे अंगूर खट्टे हैं। क्यों? क्योंकि वो ऐसी ईमानदारी को करेगा नहीं, अरे वो बेवकूफ आदमी है। तो ध्यान हमेशा रखना, अच्छे आदमी हमेशा अपने काम पे फोकस करते रहते हैं, अनएम्प्लॉयड लोग जो पॉलिटिक्स करते हैं वो एक दूसरे से बातें करके हैं, दोस्ती करते हैं, टीम बनाते हैं, जिससे कि उनके यू नो चोर चोर मोसेरे भाई। तो ये वाली जो कहावत है वो इसलिए होती है कि टू फिल्टर आउट दी राइट पर्सन, क्योंकि वो अंगूर खट्टे हैं और वो नीचे हैं, उससे ऊपर जा नहीं पाएंगे, मजा भी नहीं आएगा, कैटेगरी भी नहीं है। तो बेसिकली होगा क्या कि कहीं ना कहीं ऑनेस्ट पर्सन को परेशानी शुरू शुरू में होती है, डिमोटिवेशन भी आता है और वो सोचता भी है कि मैं थोड़ा डिसऑनेस्ट हो जाऊं इनकी कैटेगरी में आने के लिए। लेकिन यदि आप नहीं हुए, बिलीव मी, इन अ लास्ट रन ऑफ योर लाइफ इट विल बी रिवॉर्डेड। मे बी यू आर कॉल्ड अ फूल इमीडिएटली बट नॉट डेफिनेटली। नाउ अलाउद्दीन खिलजी ने इन्फ्लेशन कंट्रोल के अलावा एक चीज ये भी की कि नो एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी। जैसे कि पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया के अंडर में आप देखें सीलिंग एक्ट जो लगाया जाता है कि भाई एक आप लिमिट में, जैसे 25 एकड़ का एक बार लगाया गया था इंडिया के अंदर इंदिरा गांधी जी के टाइम पे, जब गरीबी हटाओ के नारे के ऊपर उन्होंने 1970 के बाद में जो 71 में इलेक्शन हुआ था, जीता भी था। तो सीलिंग के थ्रू हरियाणा पंजाब के कई सारे फार्मर्स को परेशानी हुई, कितनी बड़ी बड़ी लैंड सी उनकी चली गई। तो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर भी ये था कि आप लिमिट में प्रॉपर्टी रख सकते हैं, एक लिमिट से ज़्यादा प्रॉपर्टी नहीं रख सकते। अच्छा है, आपकी अपनी ज़रूरतों के हिसाब से चीज़ है, उसके ऊपर आप जाएंगे नहीं, आपको लिमिट, आपको परमिशन भी नहीं है तो आप सोचेंगे भी नहीं खरीदने का, इसके लिए करप्शन भी नहीं होगा। पनिशमेंट फॉर करप्टेड ऑफिसर्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यदि ऑफिसर्स ने सॉरी बोल दिया कि मैं दोबारा नहीं करूंगा, ये नहीं, पनिशमेंट मिलना चाहिए करप्शन के लिए, जिससे कि दूसरे लोगों को भी एहसास हो कि भाई हम यदि करेंगे तो हम भी ग्रिल्ड एंड ट्रिल्ड हो जाएंगे। एंड ये वाला टर्म बेसिकली मंत्री से संतरी तक करप्ट था, ये बेसिकली अलाउद्दीन के खिलजी के टाइम पर भी पाया जा रहा था और इसीलिए उन्होंने मेजर्स लिए हुए थे कि भाई हमें कंट्रोल करना है इस चीज को। उस वक्त की सेना और एक्सपेंशन की इतनी भूख होती थी कि सेना को खिलाने के लिए बहुत सारा राजस्व, मतलब ट्रेजर लगता था। वो ट्रेजरी में पैसा आएगा कहां से? वो लोगों के टैक्स से ही आएगा। तो ये सारी की सारी चीजें एक फाइनेंशियल प्रूडेंशियल मैनेजमेंट में काउंट हो जाती है। नाउ दूसरे जो फॉर्म्स ऑफ करप्शन उस टाइम पर चलते थे, जिसको आप अपने आंसर्स में भी लिख सकते हो, वो मैंने अलग से यहां लिखे हुए हैं, नजराना, शुक्राना, हकराना एंड जबराना। नजराना का मतलब नजर में आ जाए ऑफिसर की कि भाई हाँ भी ये एक कंटेंडर है। तो नजराना मतलब किसी के भी पास जाते हैं और एक प्रेशियस गिफ्ट लेके जाते हैं, कीमती गिफ्ट, कि नजर में तो तभी आएगा जब कोई चीज चमक रही है। तो नजर में आप उनके आ गए तो फिर आप ही को चीज मिलेगी, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट का अलॉटमेंट हो या वट एवर दे वॉन्ट टू हैव, जिसमें आपको भी फायदा है और उनको भी फायदा होगा आपके फायदे से। देन शुक्राना क्या है कि जब आपका काम कंप्लीट हो गया तो शुक्रिया कहने के लिए, थैंक्स गिविंग के लिए आप नॉट इन कैश देन इन काइंड आप करने की कोशिश करते हैं, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर वगैरह वगैरह कुछ भी आप कर सकते हैं। देन हकराना, यदि ये दोनों से काम नहीं बना तो आजकल ऑफिसर्स ने कुछ इस तरीके से बनाना है, या नीचे के लोग जो होते हैं उन्होंने इस तरीके से बनाना है कि ये तो हमारा हक है भाई, परसेंटेज है, लेना ही है, राइट, चाहे वो 100 में से 30 हो, 40 हो वगैरह वगैरह, ये करना ही है। लेकिन लास्ट में इस डाइल्यूशन से प्रॉब्लम किस में आती है? उस प्रोडक्ट में जो हम डिलीवरी कर रहे हैं, चाहे वो बिल्डिंग हो, सीमेंट कम लगेगा, रेत ज्यादा हो जाएगा, बिल्डिंग बनी, थोड़ा सा भी ट्रेमर आया, बिल्डिंग में दम ही नहीं है, वो नीचे गिर जाएगी। ऐसा हमारे दिल्ली के अंदर में मुखर्जी नगर में एक ऐसी बिल्डिंग है जो गवर्नमेंट ने तैयार की, अब आज की डेट में ये है कि लोगों ने इतना सारा पैसा लगा दिया उसके अंदर, मतलब घर में इंटीरियर में, और अब उसके ट्रेमर्स थोड़े से आते हैं या बिल्डिंग की हालत ही खराब है तो वो नीचे गिरने को हो रही है। तो जान से बड़ी क्या चीज हो सकती है किसी की भी? तो ऑर्डर तो यही है कि उसे खाली करके दोबारा से बनाया जाए, बट करप्शन जैसी चीज ना हो तो वो सरकारी बिल्डिंग भी सबसे अच्छी मजबूत बिल्डिंग पहले से बन सकती थी, प्राइवेट बिल्डिंग से भी अच्छी बन सकती थी, बट ऐसा हुआ नहीं। ऐसे ही जबराना होता है कि जबरदस्ती,
जबरदस्ती आपको बेसिकली करप्शन करना है, कैसे कि आप किसी के भी यहाँ पे कुछ ऐसे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के थ्रू फंसा दें ईमानदार आदमी को। ईमानदार आदमी को बड़ी टेंशन होती है क्योंकि वो तो आदत में ही नहीं है, इसलिए वो ईमानदारी फॉलो करता है और वो बेचारा सोचेगा कि कहाँ मैं फंस गया, और यही जो ट्रैपिंग होती है उसके दिमाग में उसको जबरदस्ती मजबूर कर देती है ये देने के लिए। रजनीकांत की एक मूवी है जो मुझे शायद याद नहीं आ रही यहाँ पे, कि बेसिकली करप्शन के ऊपर बनाई थी, फाइल क्लियरेंस करवाना है वगैरह वगैरह, लास्ट में उन्होंने देखे काम कराया लेकिन फिर भी करप्टेड लोगों को छोड़ा नहीं, और शायद उन्होंने अपने लास्ट में बेटे को भी खत्म किया था कि करप्शन के लिए मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। तो मे बी रजनीकांत इज अ वेरी फेमस हीरो इन साउथ इंडिया एंड ही इज नोन फॉर हिज वैल्यू सिस्टम, मतलब मूवीज के अलावा वो अपना जो फॉलो करते हैं उससे एक्शन तो होते ही हैं जबरदस्त। और उस वक्त के जो अलाउद्दीन खिलजी की बात है, ये जो प्रेशियस गिफ्ट की कहानी है, डॉक्टर कलाम तो ये कहते थे कि मेरे को कोई भी गिफ्ट नहीं चाहिए और वो लेते भी नहीं थे, गुलाब का फूल, और फूल उन्हें बड़े पसंद थे, और दो चार रुपए की कोई चीज आती है, 10 रुपए की आती है तो वो करप्शन बेसिकली नहीं होती, उसे जरूर एक्सेप्ट करते थे। तो जो साधारण गिफ्ट होते हैं, कोई किताब गिफ्ट कर रहा है आपको, कोई पेन गिफ्ट कर देता है 50-100 रुपए का, तो वो करप्शन के रूप में नहीं माना जा सकता। ये ग्रीटिंग्स होता है, ये एक्सेप्टेड भी होता है। इस पर केस स्टडी भी आई हुई है, यूपीएससी ने पूछा है कि भाई एक एस्पिरेंट दूसरे एस्पिरेंट से पूछ रहा है या ऑफिसर ऑफिसर से पूछ रहा है कि यार छोटे मोटे गिफ्ट लेने में क्या घाटा है, हालांकि हर कोई तो प्रोग्रेस के बारे में सोच रहा है, कोई किसी से मिलता है, एक सोशल भाव भी होता है। छोटी मोटी चीजें एक्सेप्ट करने में बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तब होती है जब बड़े बड़े गिफ्ट, लाखों रुपए के गिफ्ट आप एक्सेप्ट करते हैं, कि किसी ना किसी मन में तो ये बात होती है कि ये कहीं मैं गिव कर रहा हूं तो ठीक भी होगा। थॉमस रॉय का एपिसोड बहुत फेमस है जो उन्होंने अपनी किताब में भी इंडॉक्ट्रिनेट किया। उन्होंने ये लिखा कि जब मैं दरबार में गया मुगल एम्पायर के टाइम से पहले, तो मुझे बेसिकली एक गिफ्ट लेके जाना था या किसी के लिए लेके जानी चीज है, तो वो बहुत साधारण सी थी, मेरे ऊपर ध्यान ही नहीं दिया गया, मुझे इग्नोर कर दिया गया, ओनली बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि मेरे दिए हुए गिफ्ट में दम नहीं था। तो ये उन्होंने अपनी किताब में लिखा है और ये बहुत हाईलाइट भी हुई थी चीज। उन्होंने कुछ चीजें और लिखी कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, बड़ा आदमी छोटे आदमी को खा जाता है, और किंग सभी को खा जाता है। और वहां पर उन्होंने जो लूट वर्ड का इस्तेमाल हुआ, ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है उसकी डिक्शनरी आती है, उसमें ये पहला वर्ड इंडिया से बना, लूट वर्ड। लूट एक इंग्लिश वर्ड भी है आज की डेट में, लेकिन हिंदी से निकला हुआ है। लूट वर्ड पहला ऑक्सफोर्ड में बना, जो कि करप्शन में है, और आप कभी करप्शन में यदि लिखना चाहें तो ये बिल्कुल लिख सकते हैं मेरे वीडियो के बेस पे, और इसके बारे में और भी कुछ इंटरनेट पे है, वो भी आप एक्स्ट्रा पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। नाउ जब हमारे यहाँ पे लड़ाई चल रही थी फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के टाइम पे, मुगल एम्पायर के टाइम पे, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, रॉबर्ट क्लाइव का नाम बहुत आता है। अब बैटल ऑफ प्लासी के बाद में आपको बताइए 1757 जो कि 100 साल जस्ट पहले था फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 से, तो रॉबर्ट क्लाइव बेसिकली उस टाइम पर कंट्रोल किए हुए थे सारी चीजें। अब उनका दूसरे ब्रिटिशर्स डेवलपमेंट क्या थे मैं उसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन उनके ऊपर मुकदमा चला ब्रिटिश के अंदर, ब्रिटेन के अंदर, कि 2,34,000 ब्रिटिश पाउंड उन्होंने रिश्वत ली है इंडिया के रिच पीपल से। और रॉबर्ट क्लाइव ने अपनी किताब में ये बात लिखी है कि हाँ मैंने ये चीज ली, मेरे पास बड़े बड़े अमीर इंडिया के लोग आते थे, चिंता जाहिर करते थे कि मुझे बचाओ, मेरे फ्यूचर को बचाओ, मेरे जो फैमिली है उसको बचाओ, मेरे एम्पायर को बचाओ, और बड़े बड़े गिफ्ट लेके आते थे रॉबर्ट क्लाइव के पास। रॉबर्ट क्लाइव ने यह तक बोला कि मैं चाहता तो ये रकम करोड़ों रुपए में हो सकती थी, लेकिन मैंने ऐसा क्यों नहीं किया इस पर मैं भी ताज्जुब करता हूं। Why didn't I do this? I am also surprised. You understand this way that Robert Clive has accepted in his defense and last में इस ब्लैक मनी के तौर पे इतने चालाक थे, बच भी गए और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बने वहां पे। दोबारा रॉबर्ट क्लाइव को इंडिया में भेजा गया, क्यों? क्योंकि वो बेसिकली जो डिफेंस का कंट्रोल था इंडिया के ऊपर, जो अटैक था, वो बहुत अच्छे तरीके से करते थे। एक ब्लैक होल ट्रेजेडी भी है जो हिस्ट्री वाले टीचर आपको कभी पढ़ाएंगे, मैं इसके अंदर में जाने की कोशिश नहीं करूंगा। तो यहां पर बेसिकली जब वो वापस आए तो उन्होंने अपने जो पुराने टाइम को याद रखा है, मेरे ऊपर केस चला था, तो दोबारा जब रॉबर्ट क्लाइव की एंट्री हुई इंडिया में तो उन्होंने कंट्रोल करने की कोशिश की करप्शन को। और उन्हीं के थोड़े से टाइम के बाद कॉर्नवालिस कोड भी आया, और उस कोड के अंदर में बेसिकली एक तो सरप्राइजफुल चीज ये है, उसमें ये लिख दिया गया कि 500 रुपए से ज्यादा, उस वक्त के 500 रुपए से ज्यादा की कोई भी नौकरी है जिसमें सैलरी मिलती है 500 रुपए की, वो किसी इंडियन के पास नहीं जाएगी, ब्रिटिशर्स के पास जाएगी। और ब्रिटिशर्स उस वक्त, जैसे आज के डेट में सिविल सर्वेंट्स होते हैं, 3,000 रुपए बहुत बड़ी रकम होती है, बहुत बड़ी रकम होती है आज के हिसाब से, मतलब 7-8 लाख रुपए हो जाएगा।
तो वो देते थे, और कहीं ना कहीं इंटरनेशनल स्टडीज में ये पाया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी अपने ऑफिसर्स को हाईएस्ट सैलरी पे करती है। अभी हाईएस्ट सैलरी आती कहां से है? आप ड्रेन थ्योरी जो दादा भाई नेहरू जी की, उसमें आप देखो ब्लंडरिंग इंडियन सोर्सेज से टैक्स एट्रोसिटीज इन कलेक्टिंग द टैक्सेस, ये सारा का सारा था। और फायदा किसको होता था? ऑफिसर्स को। और तो और फेक पासेस, ड्यूटी पासेस उस वक्त ही बनना शुरू हो गए 1600 AD से आगे, जब ईस्ट इंडिया कंपनी यहां पर आई। तो थॉमस रॉय ने तो इंप्रेस अपॉन करने की कोशिश की थी दरबार में जाके कि हमें यहाँ पे व्यापार करना है वगैरह वगैरह, लेकिन उन्हें उस वक्त तो नोटिस नहीं किया, लेकिन धीरे धीरे करके वो समझ गए कि यहाँ के राजा चाहते क्या है। राजाओं को बेसिकली जो ना अंग्रेजी देशी जो अंग्रेजी शराब जो होती है, बड़ी बड़ी चीज़ें ला के दी गई, वो तो अपने बेसिकली मुजरे में ही व्यस्त रहते थे, और अंग्रेजों ने और उन्हें मुजरे में एंगेज करवा दिया जिससे कि वो यहाँ पर आके अपना एक्सपेंशन कर सके, बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी। नाउ इस वाले एंशियंट इंडिया के एपिसोड के बाद में हम लोग थोड़ा सा मॉडर्न इंडिया की तरफ मूव कर जाते हैं। मैं छोटे छोटे डेवलपमेंट लेते हुए चल रहा हूँ, हो सकता है कि मैं कलेक्टिवली इसे दोबारा लेके आऊँ किसी और एपिसोड से कनेक्ट करते हुए। पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया के टाइम पर हमें कुछ एक बेसिकली एपिसोड देखने को मिलते हैं। मैंने कुछ चीज़ें यहाँ लिखने की कोशिश की हैं, मैं और भी इसमें नीचे लिस्ट लेके आऊँगा जिससे कि आपको भी थोड़ा प्रेशर फील ना हो और मुझे भी एक साथ एकदम से पीयर प्रेशर ना आए कि मैं सारी चीज़ें इंटरनेट सेल बताने की कोशिश करूँ। कैश फॉर क्वेश्चन एपिसोड, जैसे ही हम लोग देश आज़ाद हुआ 1950 में, तो बेसिकली हम लोग रिपब्लिक डे, फर्स्ट रिपब्लिक डे सेलिब्रेट कर रहे थे, जो कि अभी 6 दिन पहले ही हमने आज भी सेलिब्रेट किया है इस साल का। तो कैश फॉर क्वेश्चन एपिसोड मतलब पार्लियामेंट के अंदर कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछना जिससे कि गवर्नमेंट को एम्बैरेसमेंट लगे। उस वक्त ये क्वेश्चन जो था वो बेसिकली ईज फॉर रिलीजिंग द इम्पोर्टेड गोल्ड को लेके था, राइट, जिससे कि गोल्ड के प्राइसेस को और जो टोटल इन्फ्लेशन है उसको कंट्रोल किया जा सके, रुपी की वैल्यू को हम लोग कंट्रोल कर सकें। तो प्रेशर बनाने वाली बात थी उस वक्त। बेसिकली नेहरू जी थे, बड़े परेशान हुए इस चीज़ को लेके, और भी कई सारी चीज़ें मैं बताऊँगा। देन फर्स्ट डिफेंस जीप स्कैम उसी टाइम का है, LIC स्कैम केस, मारुति कार टेंडर स्कैम, बोफोर्स स्कैम, हर्षद मेहता कैश फॉर वोट। नाउ आज की डेट में हम बहुत रिसेंट यदि ईयर्स में जाके देखें तो आदर्श का घोटाला, स्टिंग ऑपरेशन, कोल स्कैम, 2G स्कैम, ये सब हमें UPA के टाइम पर देखने को मिले। सवाल इन सारे के सारे स्कैम्स की लिस्ट को देखने के बाद में आता क्या है कि एक ही पॉलिटिकल पार्टी लगभग यदि हम टोटल मिला के देखें तो मोर देन हाफ ऑफ द ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस कंट्री के ऊपर राज की है। एंड इनिशियली 15 साल तक तो विदाउट एनी चैलेंज, 1975 मतलब इमरजेंसी लगी, जनता पार्टी गवर्नमेंट लेस देन 2 ईयर्स टाइम तक के लिए आई, इतने सारे स्कैम वन आफ्टर अनदर। फ्रीडम स्ट्रगल में रहने वाले लोग जो अपने लिए जान दे सकते, मतलब लोगों के लिए अपनी आजादी के लिए जान दे सकते हैं, वो करप्शन में आ रहे हैं। उनसे ज्यादा एथिकल एग्जाम्पल कोई होना भी नहीं चाहिए, ऐसा लोगों के अंदर से आ रहा था, या उस वक्त के प्रधानमंत्री की नजरअंदाजी से आ रहा था, या फिर एक ये कलेक्टिव एफर्ट था, या फिर कोई और भी सरकार होती तो वो भी ऐसा ही करती। ये सारे के सारे सवाल आपके दिमाग में आने चाहिए। आपके दिमाग में ये भी आना चाहिए कि मैं आज तैयारी कर रहा हूँ IAS की, मुझसे बड़ा ऑनेस्ट पर्सन आज की डेट में कोई हो नहीं सकता, लेकिन क्या मैं IAS या IPS या कोई भी सिविल सर्वेंट बनने के बाद यही सोच रखूंगा कि मैं जब एग्जाम की तैयारी करता था और मैंने कहीं ना कहीं अपने अंदर में कसम खाई हुई थी कि नहीं मैं करप्शन नहीं करूंगा। तो बेसिकली क्या सिस्टम में ताकत है आपकी इन वैल्यूज को चेंज करने की, ये सोचने वाली बातें हैं सारी की सारी। मैं आपको थोड़ी सी गहन मुद्रा में डालने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि आपकी जो बेसिकली एज है उसमें जोश है, नई उमंग है, और मैं क्या कहूँ, नया खून भी है और कुछ भी करने का जज्बा है कंट्री के लिए, अपने लोगों के लिए। लेकिन मैच्योरिटी क्या होता है ना कि एज के साथ में ही आती है, जैसे जैसे आप मैच्योर होते जाएंगे वैसे वैसे आपको चीज़ें और भी ज़्यादा क्लियर होती जाएंगी, और मैच्योर्ड आदमी की बातें सुनना बड़ी भारी भरकम हो जाती हैं। लेकिन यदि मैच्योर्ड आदमी उसको फ्लेवर के रूप में बताए, एक लाइट एनालॉजी के रूप में बताए, तो एक एंटरटेनमेंट का सोर्स भी बनता है और लोगों को उनकी बात भी समझ में आ जाती है। ये जो ऊपर मैंने आपके सामने नाम लिखे हैं, पहले मैं बता दूं कि HC मुदगल, VK कृष्ण मेनन, TT कृष्णमाचारी, ललित नारायण मिश्र, ये सब लोग एसोसिएटेड है। जैसे HC मुदगल साहब जो थे वो कैश फॉर क्वेश्चन स्कैम को लेके थे, जिनके लिए जिनको हटाने के लिए नेहरू जी ने बेसिकली इंस्टीट्यूट कर दी थी इंक्वायरी, लेकिन उससे पहले उन्होंने रिजाइन कर दिया, मतलब ही वॉज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। एंड VK कृष्णा मेनन फर्स्ट डिफेंस स्कैम जीप के स्कैम में आए थे। जीप का स्कैम क्या था, बेसिकली हमारा वॉर चल रहा था पाकिस्तान के साथ में और हमें जीपों की जरूरत थी,
राइट, हमने इंपोर्ट करने की कोशिश की, कुछ एकदम खस्ता हालत में जीपें आई और पैसा सारा का सारा कहाँ गया उस चीज को लेके कमेटी भी बैठी पार्लियामेंट की इंक्वायरी करने के लिए, वो धूल में भी दब गई, वीके कृष्णा मेनन का नाम उछला, फिर बाद में वो डिफेंस मिनिस्टर भी बन गए और नेहरू जी ने सारी चीजों को नजरअंदाज करके रखा। ये चीजें आई विल टेल यू इन डिटेल। नाउ इसी सीक्वेंस में बोफोर स्कैंडल की भी बात होती है, राजीव गांधी जी की गवर्नमेंट टॉपल अप हो जाती है। इथिक्स जीएस पेपर 4 में तो जब पॉलिटिकल करप्शन की बात हो रही होती है कौटिल्य की बात के साथ साथ, तो इंडिया के अंदर में इतने बड़े बड़े करप्शन के जो केसेस हुए हैं जिनमें सरकार चेंज हो जाती है, बोफोर अपने आप में एक ऐसा केस था। इसको थोड़ा सा यदि डिटेल में हम जानने की कोशिश करें तो ये बेसिकली क्या है कि स्वीडन एक कंपनी है और हमें डिफेंस के अंदर में कुछ तोपें कैनन्स यूज करनी है, तो उसका नाम था 155 mm होविट्जर गन्स, जो कारगिल के टाइम पे 1999 में यूज हुई थी और कहा यह जाता है कि इन तोपों के गोले एकदम प्रेसाइज लोकेशन पर ही जाकर गिरते थे, टारगेट को फुलफिल करते थे। बट एनीवे 410 गन्स जो थी, कैनन्स जो थी, वो लानी थी और इसमें मुद्दा था कि जो मिडिलमैन चिप है उसको 64 करोड़ रुपीस दिए गए। तो ये पूरा का पूरा जो एपिसोड है वो चलता कैसे है, इंदिरा गांधी जी का एसेसिनेशन हो जाता है 1984 में, और उसके बाद राजीव गांधी जी एक चेहरा निकल के आते हैं और उन्हें शपथ दिलवा के प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है, और एक पायलट ही थे, थोड़ी सी ट्रेनिंग उनकी हुई थी एशियाड गेम्स वगैरह को लेकर कि कैसे मैनेजमेंट करना है चीज़ों का, बट जितना पॉलिटिकल ट्रेनिंग एक तरीके से उनके ब्रदर को हुई थी जो खत्म हो गए थे संजय गांधी, राजीव गांधी वॉज नॉट वेरी मच प्रो टू दी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स एंड थिंग्स। जब राजीव गांधी जी एज अ कंपल्सिव पर्सन आते हैं तो उससे पहले सोनिया गांधी जी एंड ऑल सब ने इस चीज़ को अपोजिशन दी थी कि भाई बेसिकली इंदिरा गांधी जी चली गई, उससे पहले नेहरू जी भी चले ही गए थे, ये राजीव गांधी जी को भी खत्म कर देंगे, और संजय गांधी जी तो खत्म हो ही चुके थे और उससे पहले काफ़ी हरासमेंट हुआ था जो 2 साल से कम की सरकार आई थी जनता पार्टी की। अभी इस वाले डेवलपमेंट में जब हम आगे चलें तो 86 के टाइम पर दोबारा जब राजीव गांधी जी ने इलेक्शन किया तो कंप्यूटर रिवॉल्यूशन, एक प्राइम मिनिस्टर का नया चेहरा और साथ साथ में पंचायती राज जो थर्ड टायर बोलते हैं उसको एक्टिवेशन की बातें, तो लोगों को बड़ी उम्मीद जगी, सिंपैथी तो थी ही क्योंकि इंदिरा गांधी जी का एसेसिनेशन हुआ था, तो 400 से ज्यादा सीट्स राजीव गांधी जी को उस इलेक्शन में मिली, ऐसा नेहरू जी के टाइम पर नहीं हुआ था, ऐसा इंदिरा गांधी जी के टाइम पर 1971 के लास्ट में जो इलेक्शन हुआ था 72 से प्रीपोन करा के, तब भी इतनी वोपिंगली हाई सीट्स नहीं थी। तो ये एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड था जो राजीव गांधी जी ने उस टाइम पर के लिए ब्रेक किया, और राजीव गांधी जी से बड़ी उम्मीदें जगी और एक मिस्टर क्लीन की तरह वो निकल कर आए, और काला हांडी के अंदर में उन्होंने एक लेक्चर दिया, उसमें ये बोला कि 85 पैसा एक रुपये में से गायब हो जाता है बीच में और 15 जो पैसा है वो ही लोगों तक पहुंचता है, तो हमें करप्शन के ऊपर ही काम करना है, क्योंकि यदि हम 85 पैसे को भी गरीब तक पहुंचा पाए या उसमें से कुछ और ज्यादा परसेंटेज बढ़ा पाए, मतलब 15 पैसे से यदि वो 50 पैसे भी हो जाता है गरीबों तक पहुंचने वाला जो पैसा है, तो भी हमारी एक बहुत बड़ी सक्सेस होगी। और लोगों ने इस चीज को समर्थन भी दिया, जैसे गरीबी हटाओ के स्लोगन पे इंदिरा गांधी जी ने गेम खेला था, यहां पर करप्शन को लेकर राजीव गांधी जी गेम खेलना चाहते थे, लेकिन उनका एक्सपीरियंस थोड़ा सा ज्यादा था, स्ट्रगल बहुत ज्यादा था, क्योंकि नेहरू जी भी 64 के बाद चल बसे थे जब चाइना का बेसिकली वॉर हम लोग हार गए थे, तो उस टाइम पे इंदिरा गांधी जी इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर हुआ करती थी, कांग्रेस के अंदर सिंडिकेट बना, फिर कितनी सारी परेशानियां होती रही, वो कैंडिडेट्स एज अ प्रेसिडेंट लाए गए जो इंदिरा गांधी जी को लाइक नहीं करते थे, कैसे भी करके काउंटर करने की कोशिश की गई, के कामराज, निजलप्पा, ये तो एक अलग एपिसोड है जिसको मैं किसी और वीडियो में पहले कवर कर चुका हूँ, बेसिक स्ट्रक्चर जब मैंने कवर किया था तो वहां पर भी ये चीज बताई थी। अभी जब वापस लौटते हैं तो राजीव गांधी जी ने 1 साल तक करप्शन के ऊपर काम करने की कोशिश की, और फाइनेंस मिनिस्टर उस टाइम पर बनाया था वीपी सिंह को, विश्वनाथ प्रताप सिंह। अब विश्वनाथ प्रताप सिंह आपको पता है कि वो प्राइम मिनिस्टर भी बने थे 11 महीने के लिए, और बेसिकली फाइनेंस मिनिस्टर किसी को भी बनाया जाता है, प्राइम मिनिस्टर जो बनाते हैं वो बहुत खास ट्रस्टेड पर्सन होता है, और वीपी सिंह भी उनमें से एक थे, और जब वो फाइनेंस मिनिस्टर बने तो करप्शन को खत्म करने के लिए एंटी करप्शन ड्राइव के तौर पे उन्होंने जो टैक्स चोरी करने वाली कंपनियां थी, जो बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउस से उनके ऊपर रेड डलवाना, जो ईडी के डायरेक्टरेट थे वहां पर भूरे लाल जी को बैठाला गया, विनोद पांडे जी को फाइनेंस सेक्रेटरी के रूप में लाया गया, और ये लोग दिन रात काम कर रहे थे।
अब इसकी वजह से ये भी हो सकता है कि इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, उनके नाते रिश्तेदारों के बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउस हो सकते हैं, कंपनी हो सकती है, प्रेशर प्राइम मिनिस्टर के ऊपर आने लगा कि भाई आप हमें इतना ज़्यादा परेशान कर रहे हैं बिजनेस को लेकर, टैक्स की बातों को लेकर, जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं इनसे थोड़ा सा रियायत दिलवाइए। लेकिन अब कहें तो कहें कैसे। तो एक दिन वीपी सिंह जो थे उनको बुलाया राजीव गांधी जी ने और बोला कि आप एक काम कीजिए, आप डिफेंस मिनिस्ट्री संभाल लीजिए। अब वीपी सिंह बोले कि आपने हमें फाइनेंस मिनिस्टर बनाया था, हमने काम बखूबी किया, आप कह रहे हैं डिफेंस मंत्रालय संभाले, तो हम डिफेंस मंत्रालय संभाल लेते हैं। ना वो जब वो डिफेंस मंत्रालय में पहुंचते हैं तो कई सारी चीज़ें ऐसी चल रही थी पार्टी के अंदर कि राजीव गांधी से कुछ बड़े बूढ़े भी नाराज थे। जो बड़े बूढ़े नाराज थे वो इसलिए थे क्योंकि सारे के सारे यंग लोग, अरुण सिंह, अरुण गांधी, जो अरुण नेहरू बेसिकली रिलेटिव हो जाते हैं राजीव गांधी जी के, एंड अरुण सिंह जो थे वो उनके कलीग थे, दून स्कूल में साथ साथ पढ़े थे, तो वो सारे के सारे लोग कैबिनेट के अंदर में बहुत की रोल प्ले कर रहे थे, नज़दीकियाँ प्राइम मिनिस्टर के साथ में मीडिया में दिखाई देती हैं, तो सारे के सारे लोग उसी फ्रीक्वेंसी को फॉलो कर रहे होते। तो पार्टी के जो पुराने लोग थे उन लोगों ने कहीं ना कहीं राजीव गांधी जी को चिट्ठी लिखकर या डायरेक्टली बताकर ये कहना चाहा कि पार्टी के बड़े बड़े दिग्गजों के संघर्ष स्ट्रगल के बाद जो अच्छा टाइम आया है उसमें आप मजे कर रहे हो, आप इंजॉय कर रहे हो। ये बेसिकली पहला इंडिकेशन था राजीव गांधी जी को कि उन्हें सारे लोगों की एस्पिरेशंस, जो पॉलिटिकल पार्टी के अंदर में मेंबर्स हैं, उनको एक साथ लेके चलना चाहिए था। अभी यहाँ पर एक चिट्ठी जो बेसिकली बाद में यही समझ में आया कि प्रणब मुखर्जी ने लिखी है, क्योंकि एक ऐसी पोइट की लाइन वो प्रणब मुखर्जी ही यूज़ कर सकते हैं। हाँ जी, वही प्रणब मुखर्जी जो हमारे देश के राष्ट्रपति भी बने बाद में। प्रणब मुखर्जी को एक्सपेल कर दिया राजीव गांधी जी ने, क्यों? क्योंकि वो उन मेंबर्स के साथ में थे जो राजीव गांधी जी के ऊपर गुस्सा कर रहे थे कि आप यंग्स को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं, हमें बिल्कुल इग्नोर करके रख दिया है, हमें कैबिनेट के अंदर में कोई भी जगह नहीं है। एक सवा साल में राजीव गांधी जी ने 26 टाइम कैबिनेट के अंदर रीशफलिंग की थी। अब उस रीशफलिंग के अंदर में वहां पर जो अरुण नेहरू जी हुआ करते थे उनको भी कैबिनेट में जगह नहीं थी, तो अब जो यंग लोग थे वो नाराज होने लगे। एक यंग मैनशिप जब होती है प्राइम मिनिस्टर के रूप में जब देखने को मिलती है, तो एक ऐसा भी होता है कि जो ओल्ड पर्सन होता है वो बहुत जल्दी हिलता नहीं है, बहुत जल्दी लोगों को बदलता नहीं है, लेकिन यंग पर्सन चार लोगों को सुनने के बाद में अपने फैसले थोड़ी तो जल्दी जल्दी बदलता है। मे बी राजीव गांधी जी के अंदर में उतना करेज ऑफ कन्विक्शन नहीं था कि जो मैंने किया है वो मैं रखूंगा। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए मोदी जी आज योगी जी को लेकर आए, उन्होंने कितने बड़े बड़े कदम लिए, बुलडोजर पॉलिटिक्स वगैरह, मीडिया ने इतना हल्ला मचाया, लेकिन योगी जी को नहीं हटाया गया है, वो काम कर रहे हैं, उनके अचीवमेंट्स निकल के आ रहे हैं। तो बेसिकली एक सिक्के के दो पहलू हो सकते हैं, ये बात सही है, लेकिन किसी भी डिसीजन के ऊपर टिकना ये हमेशा के लिए ठीक है। आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, एक साल नहीं हुआ, दूसरे साल नहीं हुआ तो छोड़ के आप प्राइवेट सेक्टर में करने लगे काम, मे भी हो सकता है घर वालों को जरूरत हो, लेकिन फिर भी आप कोशिश करते रहे। ऐसा भी होता है कि यदि वास्तव में बात दो ही अटेम्प्ट में बन जाती तो यूपीएससी ने चार अटेम्प्ट या छह अटेम्प्ट क्यों किए हुए हैं, क्योंकि छठवें अटेम्प्ट में भी लोग आईएएस बनते हैं और टॉप करते हैं। तो डिसीजंस के ऊपर टिकना बहुत जरूरी है, और डिसीजन लेने से पहले सोचना जरूरी है, और सोच लिया तो फिर वही लाइन एक मूवी की तरह होती है कि मैंने एक बार कमिटमेंट कर दी तो मैं अपनी भी नहीं सुनता। तो यूपीएससी का एस्पिरेशन हो, एस्पिरेंट हो, या फिर वो एक प्राइम मिनिस्टरशिप हो, करेज ऑफ कन्विक्शन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो अभी इन सब चीज़ों को लिखते हुए बेसिकली मैं कहानी सुनाता हुआ चला गया था, इसमें कई सारे ऐसे पॉइंट हैं जो मुझे कवर करने पड़ जाएंगे। बेसिकली कमला प्रतीत त्रिपाठी प्रणब मुखर्जी के साथ में इस लेटर एपिसोड में इन्वॉल्व होते हैं, और उस वक्त राजीव गांधी जी को ये चैलेंज आता है कि मुझे अब थोड़ा सा संभल के रहना चाहिए, लेकिन सितारे पूरे के पूरे गर्दिश में आने लगते हैं। वीपी सिंह जैसे ही फाइनेंस मिनिस्ट्री से डिफेंस मिनिस्ट्री में शिफ्ट हुए, उसके कुछ दिन बाद एक खुलासा हुआ फेयर फैक्स स्पाइंग कंपनी का, जिसको वीपी सिंह जी ने, जो उन्होंने एक्सेप्ट किया, दो जजेस कमेटी की एक इंक्वायरी कमेटी बैठा ली गई थी उनके लिए कि जो फेयर फैक्स स्पाइंग कंपनी है, यूएस के दौरे पे जब भूरे लाल जी थे जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट में बेसिकली अपॉइंटेड थे, तो उन्होंने फेयर फैक्स कंपनी को क्यों ऑर्डर दिए कि हमारे जो डील्स हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, उसके ऊपर आप स्पाई करते रहिए। तो कहने का यह मतलब है कि एक बाहर की कंपनी को स्पाई करने के लिए फाइनेंस मिनिस्टर ऑर्डर देता है और इसकी खबर किसी को भी नहीं है।
मीडिया को ये बात पता लगी तो पार्लियामेंट के अंदर में ये बात बहुत ज्यादा तूल पकड़ गई। लेकिन टू जजेस कमेटी के अंदर विश्वनाथ प्रताप सिंह वीपी सिंह ने ये बोला कि हमारे ऑफिसर्स, पहली बात, यदि हम बाहर भेजते हैं तो बहुत खर्चा होता है और उतनी एक्सपर्टाइज अलग से नहीं है कि हम उन स्पाइंग, उस इंटेलिजेंस रोल में उन्हें इन्वॉल्व कर पाएं। जान माल का खतरा पकड़े जाने पे वो अलग है, इसलिए हमने ऐसा किया। और फेयर फैक्स मशीन को भी, हम जो कंपनी है स्पाइंग, उसको हमने आउटराइटली पैसे नहीं दिए। उनको यही बोला कि कोई भी केस आप पकड़ते हैं और उसका जो अमाउंट होता है उसका 25% हम आपको दे देंगे। तो अपनी जेब से हम कुछ भी नहीं दे रहे, आप कुछ पकड़ के लाते हैं जिस काम के लिए आपको इन्वॉल्व किया गया है उसमें से 25% आपको मिल जाएगा। हालांकि ये बात रफा दफा हो गई, लेकिन फेयर फैक्स स्पाइंग एपिसोड से वीपी सिंह चिढ़ गए राजीव गांधी जी से। और वीपी सिंह जी ने मन बना लिया था कि मैं अब बेसिकली इनका पर्दाफाश करूंगा और इनको काउंटर करने की कोशिश करूंगा। इधर अरुण सिंह, अरुण नेहरू, ये सारे के सारे लोग थोड़े से राजीव गांधी जी से नाराज होते जा रहे थे। अभी जब वीपी सिंह को फेयर फैक्स एपिसोड का रिप्लाई देना था, उनके हाथ में भी एक अच्छी खासी एपिसोड आ गई। वो एपिसोड था पनडुब्बी का। एक मीडिया को इंटरव्यू देते वक्त, मीडिया चैनल को इंटरव्यू देते वक्त वीपी सिंह जी कह रहे हैं कि पता नहीं ये पनडुब्बी कहां से आ गई, हमारी टेबल पे अचानक से उग आई। तो ये पनडुब्बी थी HDW, जर्मन कंपनी की थी। इसका पहला सौदा या पहली डिलीवरी हमारे यहां पर हुई थी इंदिरा गांधी जी के टाइम पे, और सेकंड डिलीवरी हुई थी राजीव गांधी जी के टाइम पे। मामला था इसके अंदर में कमीशन खाया गया है, और शक ये था कि कांग्रेस पार्टी की जो डायनेस्टी है, बेसिकली नेहरू परिवार, राजीव गांधी जी या इनके जो स्विस बैंक अकाउंट हैं, उसमें ये पैसा मिडिल मैन ने जमा किया है। अब उस मिडिल मैन का नाम मैं अभी आपको बताता हूँ, ओटावियो कुत्रोची, जो 2013 में खत्म हो गया। उससे पहले CBI की इंक्वायरी बैठी, सब कुछ हुआ, सारा का सारा मामला खत्म होता चला गया। लेकिन कांग्रेस से बीजेपी में जो शिफ्ट हुआ है, उन सब में करप्शन भी एक मुद्दा था जिसको हाईलाइट किया गया बार बार। जब जब बीजेपी की गवर्नमेंट आई, तब तब उन्होंने उस चीज को निकाला। मोदी जी की सरकार भी जब आई थी तो उन्होंने ये बोला कि हम काला धन स्विस बैंक से, पहली बात तो उसको ट्रांसपेरेंट करेंगे किस किस के नाम पे कितना धन जमा है, और उसको वापस भी लेके आएंगे। हालांकि इतना आसान नहीं है, स्विस बैंक का कॉन्सेप्ट ही दूसरा है। वो इसलिए बनाया गया है कि जो वर्ल्ड की बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो एनोनिमसली अपना पैसा रख सकें, अमाउंट और नाम कोई भी एक दूसरे का नहीं जान सकता। RTI जैसी चीज उसके ऊपर अप्लाई नहीं होती। बहुत सारे छोटे छोटे डेवलपमेंट होते रहे हैं लोगों को खुश करने के लिए, लेकिन सभी को पता है ये अरेंजमेंट बहुत जरूरी है। जब चुनाव लड़ने होते हैं तो चुनाव से पहले वो रात जब लोगों के पास ये शराब नोटों से भरे बैग से नोट निकाल निकाल के दिए जाते हैं, और भी बहुत सारे खर्चे होते हैं, ये कैसे होंगे? इसमें स्विस बैंक का बहुत बड़ा रोल होता है। मैं एक कंट्री की नहीं, मैं लगभग हर कंट्री की बात कर रहा हूँ। ये एक बेसिकली डेमोक्रेसी इज अ नेसेसरी ईविल जो है, ये स्टेटमेंट अपने आप में बहुत गहरा है, और ये ईविल एक पॉलिटिकल कैंपेन से भी निकलता है। टैक्स के अलावा करप्शन जो होना, जो एक रूट कॉज पाया जाता है, वो इसलिए है कि पॉलिटिकल कैंपेन में बहुत पैसा लगता है। ये पहले भी मैं बता चुका हूँ, अभी भी बताया है। हम लोगों के लेवल पे बेसिकली करप्शन कहाँ से होगा? प्रेशियस गिफ्ट जो देने होते हैं, चाहे वो डायमंड नेकलेस हो या डॉरी हो, दोनों ही केस में घर के जो मेंबर्स होते हैं उनको खुश करना ही होता है। कमिंग बैक, थोड़ा सा बीच में ऐसे नॉर्मल लेक्चर्स हो जाते हैं, बातें हो जाती हैं, वो ज़रूरी भी है। हो सकता है कि शायद सीमेंट के अंदर में रेत इसलिए ही मिलाया जाता है कि मजबूती रहे, पूरा का पूरा सीमेंट ही हमने दे दिया, लेक्चर ही दे दिया, कंटेंट दे दिया, तो माइंड में स्ट्रेस आ जाएगा। और बीच में यदि आपको ऐसा लगा करे कि मैं थोड़ा सा स्पीड में आ रहा हूं या बहुत स्लो हो गया हूं, तो आजकल यूट्यूब के ऊपर स्पीड चेंज करने का रहता है कि 1.25 कर पाएं या उसे और भी स्लो करके 0.75 पे ले आएं। दो आई एम मॉडरेटली फाइन वट एवर स्पीड यू नीड टू एब्जॉर्ब द कंटेंट दैट आई एम डिलीवरिंग एंड आई एम स्पीकिंग इन दैट सेम सेंस। ओके, नाउ वीपी सिंह अब बेसिकली फेयर फैक्स को उन्होंने काउंटर किया HDW सबमरीन केस से, और अब वो डिफेंस मिनिस्ट्री से रिजाइन करने का मन बना चुके थे। और डिफेंस मिनिस्ट्री से जब उन्होंने रिजाइन किया तो लेटर में लिखा सीधा का सीधा प्रधानमंत्री को, राजीव गांधी जी को, कि हम दोनों के जो सोच है, जो विचारधारा है, जो थिंकिंग है, वो मैच नहीं करती, इसलिए मैं रिजाइन कर रहा हूँ। और रिजाइन करने के 4 दिन बाद एक डायरी उनके हाथ में रहती थी, उन्होंने जो बेसिकली खुलासा है मीडिया में वो इसी बात को लेके किया कि जो सबमरीन केस है, जो बोफोर्स केस है, उसमें पैसा दिया गया था।
उन्होंने कुछ नाम भी लिए, वो नाम बेसिकली कई सारे थे उतवियो कोत्रोची को मिला के। लेकिन उससे पहले मैं बस एक छोटी सी चीज़ ये बताना चाहूँगा कि वीपी सिंह राजा ऑफ मांडला जो इलाहाबाद के पास एक जगह है वहाँ से थे, और इलाहाबाद से उस वक्त अमिताभ बच्चन जी हुआ करते थे मेंबर, और उस वक्त बॉम्बे डाइंग एंड रिलायंस का भी केस निकल के आया था, अमिताभ बच्चन अपने भाई के साथ में वहाँ पे थे। तो एंटी वीपी सिंह थे दोनों एक दूसरे के। जब अमिताभ बच्चन की सीट वहाँ से खाली हुई और इलाहाबाद की सीट ये माना जाता था कि कांग्रेस को ही मिलती है, और इस बार निर्दलीय चुनाव वीपी सिंह ने वहाँ से लड़ा था और वीपी सिंह वहाँ से जीते थे, और तो और राजीव गांधी जी ने पूरा जोर लगा दिया इलाहाबाद से वीपी सिंह जी को हरवाने के लिए, और सुनील शास्त्री जो लाल बहादुर शास्त्री के बेटे हैं उनको फील्डिंग पे लगाया। अगेंस्ट हिम ही वॉज कॉन्टेस्टिंग द इलेक्शन, एंड इधर बंसीराम भी हुआ करते थे, काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी यूपी के अंदर में, उनके बेसिकली काफ़ी आगे के जनरेशन के लोग काम कर रहे हैं या कर रहे थे, कुमारी बहन करके कुछ लोग इस तरीके से बोलते हैं। सो एनीवे कमिंग बैक, तो वीपी सिंह जी जीते, और जब आगे चल के 89-90s में चुनाव जब हुए तो इसी करप्शन के मुद्दों को लेते हुए जो राजीव गांधी जी की लीड में कांग्रेस जो है वो हार जाती है। राजीव गांधी जी दो सबसे ज़्यादा सीटों से आए थे, 196 सीटें थी, और उस वक्त के जो प्रेसिडेंट थे ज्ञानी जेल सिंह जी भी कहीं ना कहीं राजीव गांधी जी से नाराज़ थे, सरदार थे। आपको याद होगा कि सरदार ने ही बेसिकली मारा था किसे, इंदिरा गांधी जी को, और सरदार जी ने इसलिए मारा था क्योंकि जो सिखों की सेंटिमेंट से वो शायद इंदिरा गांधी जी समझ नहीं पाई थी। संजय गांधी जो उनका बेटा था, उन्होंने एक बंदे से दोस्ती की थी जो मसल मैन था, जिसका नाम था जर्नैल सिंह भिंडर वाले। दो एक मसल पावर हो सकता है, लेकिन पंजाब में सिखों के अंदर में उनको गुरु का दर्जा दिया जाता था। तो गोल्डन टेंपल जो बेसिकली ऑपरेशन ब्लू स्टार भी चला, जिसमें जर्नैल सिंह भिंडर वाले को लास्ट में मार दिया गया, तो उसी एपिसोड से कनेक्टेड होते हुए इंदिरा गांधी जी को एसेसिनेट किया था। वो सरदार थे, ज्ञानी जेल सिंह भी सरदार थे, लेकिन राजीव गांधी जी अपने दिमाग में सेक्युलरिज्म लेके चलते थे। ज्ञानी जेल सिंह भी राजीव गांधी जी के कई डिसीजन से खुश नहीं थे, और ज्ञानी जेल सिंह जी ने भी वीपी सिंह को एक बार बुलाया था कि आप प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, मैं आपको शपथ दिलाऊंगा, आपके पास तो कई एमपीज का सपोर्ट भी है, लेकिन वीपी सिंह साहब ने मना कर दिया। हो सकता है ये मेरे को नापने की कोशिश कर रहे हो इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। और उस वक्त के आर वेंकट रमन वाइस प्रेसिडेंट भी हुआ करते थे, उनका भी अपने आप में नाम आ रहा था कि उनको भी प्रधानमंत्री बनना है। ऐसे कई सारे नाम हैं, एनडी तिवारी जी का भी नाम है, सब अपने अपने रेस में लगे हुए थे, वीपी सिंह का नाम सबसे आगे था। हालांकि उन्हें प्रधानमंत्री बनना था, वो खुद कहते हैं एक इंटरव्यू में, भैया धक्के से बने या जोर लगा के बने, अपने से बने, दूसरों से बने, कैसे भी करके प्रधानमंत्री तो हम लोग बन ही गए, 11 महीने के लिए बने, भले ही बन तो जरूर गए। एक बात और, राजीव गांधी जी का भी एसेसिनेशन कोयम्बटूर परम्बदूर पार्क में चेन्नई के अंदर में हो गया था, श्रीलंकन एपिसोड से कनेक्टेड होते हुए, LTTE, इसकी बात हम कभी और कर लेंगे श्रीलंकन एपिसोड की। तो ये जो करप्शन का मामला है 2013 तक चलता रहा, लेकिन राजीव गांधी जी को पार्टी बना के रखा गया कि कहीं ना कहीं इस माइलेज से दूसरी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं पॉलिटिकल कैंपेन के टाइम पे कांग्रेस को हाईलाइट करते रहे नेगेटिवली और अपना माइलेज लेती रहे। 88 के बाद में कांग्रेस के बहुत अच्छे दिन नहीं थे, और उससे पहले भी पौने दो साल के लिए जनता पार्टी पहले आई थी और अब की बार जनता दल आई। जनता पार्टी जनता दल दोनों अलग अलग हो जाते हैं। ये बेसिकली जो बना था जनता दल वीपी सिंह के साथ में बीजेपी आई सपोर्ट देने के लिए, और साथ में जो लेफ्ट की जो पार्टियां थी उन्होंने सपोर्ट दिया, जिससे 248 की एक पूरी की पूरी सीटों की जो नंबर्स हैं वो गेन हुई और उनकी जो सरकार है वो बनी। और जब सरकार बनी तो फिर ये करप्शन के मुद्दे हैं बहुत अच्छे तरीके से हाईलाइट होते रहे। नाउ यदि हम लोग और आगे चल के बात करें तो हालांकि ये काफ़ी डिटेल में चली जाती है चीज़, गवर्नेंस में चली जाएगी यदि मैं और इसको अंदर जाने की कोशिश करूं। बेसिकली जो रूटर है और ऑल इंडिया रेडियो है, हिंदू न्यूज़पेपर है जिसमें एन राम जी काम करते हैं, उसके अलावा एक एडिटर का और नाम है चित्रा सुब्रमण्यम, जो उस वक्त बेसिकली स्वीडन में ही थी। जब क्लीन चिट मिल भी जाती है राजीव गांधी जी को, 30 मेंबर्ड जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बैठा ली गई थी इस HDW एंड जो बेसिकली हॉविट्जर गन के एपिसोड को इंक्वायर करने के लिए, उसमें क्लीन चिट मिल जाती है पूरी, कुछ नहीं, कोई करप्शन नहीं हुआ। खुद भी वो पार्लियामेंट में स्टेटमेंट दिए थे बतौर फाइनेंस मिनिस्ट्री
कि भाई वहां पर कोई मिडिलमैन नहीं है और किसी को भी कोई पैसा नहीं गया। लेकिन ये जो मीडिया है, स्पेशली न्यूज़पेपर मीडिया, हिंदी हिंदू न्यूज़पेपर एंड चित्रा सुब्रमण्यम स्वामी, तो उन्होंने ये ही इंक्वायरी करके बताया कि पिटको एंड सोइस्त्रा एंड एई सर्विसेज, ये पिटको जो है वो जेपी हिंदुजा ग्रुप की है एंड ये चड्डा की थी, एंड एई सर्विसेज बाद में पता चला, उस वक्त पता नहीं चला, ओतोवियो कुत्रोची जो 2013 में खत्म हो गए। नाउ ओतोवियो कुत्रोची कौन है? ये बेसिकली इटालियन रूट से फ्रेंड एंड लाइक फैमिली मेंबर बन जाते हैं किसके? कांग्रेस के, सोनिया गांधी जी के, राजीव गांधी जी के, ठीक है। तो ये पैसा बेसिकली इनके थ्रू जा रहा था स्विस बैंक में, एंड एक डायरी मेंटेन की जाती थी कई दूसरे लोगों के द्वारा, उसमें बेसिकली दो वर्ड होते थे, यू एंड आर। बाद में ये बताया जाता है कि आर फॉर राजीव एंड ओतोवियो कुत्रोची, क्यू फॉर कुत्रोची, ये दो नाम थे जो कोडेड वर्ड में लिखे जाते थे उस डायरी में जो हाथ लगी थी। और तो और जब वीपी सिंह साहब इलेक्शन के लिए कैंपेन कर रहे थे तो वहां पर जो अकाउंट में नाम राजीव गांधी ना होके लोटस था, तो वीपी सिंह साहब यही बताते थे लोटस मतलब क्या होता है, कमल, और कमल मतलब होता है राजीव। हालांकि कोइंसिडेंटली आज की डेट में कमल जो एक सिंबल है वो इलेक्शन सिंबल वोटिंग के लिए होता है, वो बीजेपी का है, तो ये वाला जो नाम है ये होता था। और तो और इटली का दमाद, करप्शन वगैरह वगैरह, जितनी भी नारेबाजी हो सकती है वो सारी की सारी होती थी। और वीपी सिंह साहब चले गए, उसके बाद और भी कई सारे हर्षद मेहता स्कैम हुए जो भी अभी हम शॉर्टली बात करने वाले हैं, उसमें नरसिम्हा राव के ऊपर कई सारे बेसिकली एलिगेशन लगे कि 1 करोड़ रुपया लिया है। लेकिन यहाँ पर ये बात समझने वाली है कि करप्शन इथिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से यदि हम देखें तो एक पॉलिटिकल करप्शन का एपिसोड इतना बड़ा हो जाता है कि उसकी वजह से सरकार चेंज हो जाती है। तो आप लोगों को एडवाइस है कि जब भी आप लिख रहे हों तो अपने क्वेश्चन के अंदर में कंटेंट को लाने के लिए इन सारे सारे डेवलपमेंट को एग्जिस्टेड फॉर्मेट में बिना किसी का नाम मेंशन किए एसेंस जरूर लिख लें, सो दैट आप आंसर में उसी को या तो गैप क्रिएट करके, उसकी रिक्वायरमेंट क्रिएट करके उसे लिख पाएं, या सब्सटेंशिएट करने के लिए एग्जाम्पल्स दे पाएं कि हमारे पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में ऐसा ऐसा हो चुका है और करंट में क्या क्या और हो सकता है या होने की संभावना है। से फॉर एग्जाम्पल, जब 60s के टाइम पर आइडिया पहली बार आया था ओम्बड्समैन का, तो ओम्बड्समैन स्वीडन से निकल के आई थी ये इंस्टीट्यूशन, संस्कृत से लोकपाल नाम बेसिकली सजेस्ट किया गया था जो नेहरू जी के टाइम पर ही था, और उसको लाने की अन्ना हजारे ने भी कोशिश की 2011 में, जिनको करप्शन क्रूसेडर के रूप में देखा गया। लेकिन आज की डेट में भी कोई बहुत वाइटल इंस्टीट्यूशन तो लोकपाल जैसे सेंटर में नहीं है, लोकायुक्त किसी किसी छोटे छोटे स्टेट में देखने को मिल जाता है, उनको भी कोर्ट ग्रिल करता रहता है कि कायदे में रहिए। तो ये तो हालात हैं, आगे चलते हैं हम लोग। तो हर्षद मेहता स्कैम, हर्षद शांतिलाल मेहता स्कैम, ये एक दूसरा बोफोर केस के बाद में, बोफोर स्कैम के बाद में दूसरा वो बड़ा स्कैम है जिसकी वजह से सरकार चेंज हो जाती है। इस हर्षद मेहता स्कैम बेसिकली, ये एक पेशे से तो स्टॉक ब्रोकर ही था और इस आदमी के नाम पे इस स्कैम का नाम पड़ा, ना कि प्रोडक्ट के पीछे। हालांकि कहने को तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी स्कैम भी बोल देते हैं, एंड इन वन ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ द लॉयर ऑफ हर्षद मेहता, इट वॉज टोल्ड दैट इट इज नॉट हर्षद मेहता स्कैम, इट इज नॉट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज स्कैम, इट इज पीवी नरसिम्हा राव स्कैम। तो इसकी पूरी की पूरी बैकग्राउंड क्या है, लेकिन उस बैकग्राउंड में और भी कई सारे तार कनेक्टेड होते हैं, तो मैं आपको उस पूरी की पूरी सिनेरियो को थोड़े से जिस्टेड फॉर्मेट में बताने की कोशिश करूंगा। 1991-1992 के टाइम पर आपको पता है कि राजीव गांधी जी असैसिनेटेड हो गए थे, एंड पीवी नरसिम्हा राव बेसिकली फिर बाद में जाके चंद्रशेखर राव के छोटे से टर्म के बाद प्रधानमंत्री बने, एंड पीवी नरसिम्हा राव के पास भी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को लेकर बहुत बड़े चैलेंजेस थे। एक टाइम ऐसा आया इंडिया के अंदर कि केवल और केवल 7 दिन का हमारे पास रिजर्व रह गया था जो ऑयल इंपोर्ट हम करते हैं उसके पैसे देने का। इसका मतलब ये है कि वो पैसा यदि खत्म हो जाए तो हमारे पास जो ऑयल है वो आना बंद हो जाए, पूरी की पूरी इकोनॉमी, ट्रांसपोर्टेशन सब कुछ रुक जाए। अब इस टाइम पर इस चीज को रेस्क्यू करने के लिए कई तरीके के आइडियाज आने लगे। तो एक आइडिया ये भी था कि हम जो कस्टम्स के थ्रू जो सोना पकड़ा जाता है, कई सालों से पकड़ा जा रहा है, वो इतना सारा इकट्ठा हो चुका है कि हजारों टन जो SBI के पास रखा हुआ था उसको हम किसी फॉरेन बैंक्स में गिरवी रख दें या बेच दें,
और उसके बदले में हम पैसा ला के अपने रिजर्व को और रिप्लेनिश करके ये इम्पोर्ट ऑयल वाली चीज को एड्रेस कर पाए। अब उस वक्त के बेसिकली आरबीआई गवर्नर बेसिकली हुआ करते थे एस वेंकट रमन एंड मनमोहन सिंह जी, जो बाद में अभी प्रधानमंत्री बने, जिनको तो रिसेंट ईयर्स में आप जानते ही होंगे। वो पहले इकोनॉमिक एडवाइजर थे, यूजीसी के चेयरमैन भी थे एंड फिर फाइनेंस मिनिस्टर बने और फिर बाद में जाके प्रधानमंत्री बन गए जब सोनिया गांधी जी इलेक्शन जीती थी 2003-2004 में। और सोनिया गांधी जी प्रधानमंत्री न बन के वो एक ऐसे पर्सन को लेके आए जिसको बाद में लोग एक्यूज करते थे, ये जो पर्सन है ये तो पपेट प्राइम मिनिस्टर है, ये किसी के इशारे पे ही काम करता है, जो मैडम कहती हैं वही ये लोग फॉलो करते हैं। एनीवे, आई एम नॉट गोइंग इनटू इट, बट पीवी जो मनमोहन सिंह साहब हैं वो एक पॉलिटिकल कल्ट ना होकर आई विल से कि फाइनेंस इकोनॉमी को बेसिकली नॉलेज रखना ही हैज़ वेरी गुड आइडिया। तो उस टाइम पर जो गवर्नर थे उस टाइम के बेसिकली वेंकट रमन जी, मनमोहन सिंह जी, इन्होंने बेसिकली सुझाया इस आइडिया को कि ऐसा कर लिया जाए तो पॉसिबल हो सकता है। यदि कैलकुलेशन और डिजिट की यदि मैं बात करूं तो 20K रिजर्व पहले बात हुई और उसको बैंक ऑफ जापान एंड स्विट्जरलैंड के बैंक में इसको रखा गया, UBS नाम की बैंक में, और कुछ पैसे लाने की कोशिश की गई, लेकिन उससे कुछ फायदा हुआ नहीं। इसमें एक चीज और है कि ये जो रूपरेखा बन रही है इस वाले आइडिया को लेकर, इस आइडिया को पार्लियामेंट्री अप्रूवल या कैबिनेट अप्रूवल नहीं था और इसको चोरी चुपके से किया गया। और कैसे एयरपोर्ट पे गाड़ियां लगी हुई थी और कैसे बहुत ज्यादा बड़ी सिक्योरिटी के अंडर में ये सारी की सारी चीजें हो रही थी, इसको जर्नलिस्ट शंकर अय्यर ने बहुत अच्छे तरीके से बताया है कि मैंने कैसे एयर ट्रैफिक कंट्रोल ATC में जाके ये पूछा कि ये फ्लाइट कहाँ जा रही है, कैसे जा रही है। बहुत साफ हो चुका था कि ऐसा हुआ है और ये बाद में जब मीडिया में खुलासा हुआ, लोगों को पता चला, तो ये पीवी नरसिम्हा राव के ऊपर ही एक जिम्मेदारी आ गई कि इसका जवाब दें कि बिना अप्रूवल के कंट्री को डार्क में रख के इस पैसे के बदले में जो इम्पोर्ट ऑयल की जो प्रॉब्लम है उसको कैसे एड्रेस किया जा रहा है। ये तो एक आइडिया हुआ। दूसरा आइडिया इकोनॉमिक डाउन टर्न को एड्रेस करने का ये था कि IMF से हम लोन ले लें। IMF के चीफ माइकल राजीव गांधी जी के टाइम पर 1988 में आए थे और उन्होंने बोला था कि करंट अकाउंट डिफिसिट इंडिया की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। IMF के अंदर में 80% से ज्यादा वोट पावर है US की, और US उस वक्त गल्फ वॉर जो कंट्रीज हैं इराक, कुवैत एंड ऑल, सद्दाम हुसैन के एपिसोड को लेकर पड़ा हुआ था। इंडिया के रिलेशन इन कंट्रीज जो ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं उनके साथ में अच्छे थे और रिलेशन को खराब भी नहीं करना चाहते थे, लेकिन US ने इंडिया को बोला, क्योंकि जब इंडिया ने IMF को अप्रोच किया लोन के लिए तो US ने ये बोला कि हमारे जो फाइटर जेट हैं उनको आप अपने एयरपोर्ट, मुंबई के अंदर में एयरपोर्ट है वहां से पास पड़ता, वहां पे आप लैंडिंग करने की परमिशन देंगे, रिफ्यूलिंग करेंगे और वहां से वो डायरेक्ट उड़ के बेसिकली अटैक कर सकते हैं गल्फ वॉर के अंदर में जितने भी कंट्रीज थे वहां पर, स्पेशली इराक। इसका मतलब ये था कि इंडिया का पार्टिसिपेशन US के जेट को लैंडिंग कराने को लेकर ये था कि हम वॉर में इन्वॉल्व हो रहे थे अगेंस्ट द ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज जिनके हम एक तरीके से फ्रेंड माने जा रहे थे। अब ये चीज़ ऐसी कंपल्शन थी इकोनॉमी को लेकर कि पीवी नरसिम्हा राव ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया और 17 जनवरी 1991 में US ने अटैक कर दिया इराक के ऊपर। इंडिया बिकेम पार्टी टू इट एंड इंडिया वॉज रिलीज्ड विद $1.3 billion। इंडिया की डिमांड तो ये थी कि आप 2 billion का लोन हमें दे दीजिए IMF से, लेकिन 1.3 बिलियन मिला जो कि अपने आप में एक रेस्पेक्टेबल अमाउंट था हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ये दो आइडिया, गोल्ड रिजर्व एंड हमारा गल्फ वॉर में ज्वाइन हो जाना IMF से लोन लेने के लिए, ये दोनों तो काम कर गए। इसके साथ साथ में तीसरी एक और चीज हुई जिसका नाम हम लोग शॉर्ट में जानते हैं LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। IMF को ये पता था कि भाई ये कंट्री है, इकोनॉमी पूरी डाउन है, ये पैसा देगी कैसे, लेकिन रॉ मटेरियल तो है, तो बस लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन के थ्रू इकोनॉमी के डोर खोले जाए। इकोनॉमी के डोर कैसे खोलेंगे, इंडिया उस वक्त लाइसेंस राज, कोटा राज, परमिट राज जैसी चीजें रखता था। इसका मतलब ये है कि आपको क्या काम करना है उसके लिए लाइसेंस चाहिए, कितना काम करना है, कौन सा काम करना है, कितना प्रोडक्ट बनेगा, हर चीज के ऊपर पाबंदी थी। जैसे आज कुछ लोग GST के ऊपर जो इंस्पेक्टर्स आ जाते हैं या बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही हैं लगा देते हैं कि भाई बड़े परेशान हैं बिजनेस मॉडल को लेकर कि 10% से कम बच रहा है, कैसे बिजनेस को सस्टेन करें।
But anyway, Modi ji has every solution, and I believe that he will be doing good for all the business people. Now, LPG, जब इतनी बड़ी चेंज हो रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं लीकेजेस तो आने लगेंगे. यहां पर हर्षद मेहता स्कैम को लेकर चीजें कैसे कनेक्ट होती हैं कि जब एलपीजी जैसी चीज ग्लोबल कंपनीज के लिए आप अपनी कंट्री के द्वार खोल रहे हैं तो सेंसेक्स इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द हेल्थ ऑफ इकोनॉमी, जो एकदम से ऊपर चला जाता है नीचे भी आ जाता है. सेंसेक्स एकदम से ऊपर जाने लगा. स्टॉक ब्रोकर सारे के सारे काम कर रहे होते हैं, लेकिन एक स्टॉक ब्रोकर जिसका नाम था हर्षद शांतिलाल मेहता, कहने से तो ये एक स्टॉक ब्रोकर ही है, लेकिन इसके पास वर्ली सीफेस में 15,000 स्क्वायर फीट का फ्लैट था, 30 गाड़ियां पार्क होने की अंदर जगह थी, जिसमें टोयोटा लेक्सस उस टाइम की बड़ी फेमस गाड़ी थी. और हर्षद शांतिलाल मेहता को तो बेसिकली अमिताभ बच्चन ऑफ स्टॉक मार्केट कहते थे. इसने क्या किया इसी टाइम पर कि जो आरबीआई सिक्योरिटीज देती है बैंक्स को, आरबीआई इज बैंक ऑफ ऑल दी बैंक्स, तो उन्होंने एसबीआई को 1700, मैंने यहां पर इस चीज को कोडिफाई किया हुआ है बिकॉज दिस पीडीएफ एज आई मेंशन अर्लियर कि मुझे ये देना ही पड़ता है, 1700 करोड़ रुपीज की इशू की थी एसबीआई को. वापस जो शो हो रही है उनके पास एंट्री वो हो रही है 1154 करोड़ की. ये अराउंड मोर देन 534 सीआर का जो डिफिसिट है ये कहां था? एसबीआई ने ये सिक्योरिटीज हर्षद लाल मेहता को लोन पर दी हुई थी. हर्षद लाल मेहता को बुलाया गया जब ये गैप पता चला कि भाई ये सिक्योरिटीज वापस करो. हर्षद लाल मेहता ने बोला कि भाई मेरा तो बेसिकली ऑफिस सील किए हुए हैं तो मैं वो तो नहीं दे सकता. तो उन्होंने बोला कैसे भी करके वापस करो. हर्षद लाल मेहता ने 500 सीआर की जो रकम एक चेक से अदा करने की कोशिश की और वो हो गई. आरबीआई भी बड़ी सरप्राइज. जब बाद में आरबीआई के लोगों ने इसमें तहकीकात की तो ये पता चला कि ये चेक नेशनल हाउसिंग बोर्ड NHB से आया हुआ है, जो अपने आप में और भी एक बहुत बड़ी भूल भुलैया थी इकोनॉमी को लेकर कि बहुत बड़े गोलमाल उसमें हो सकते हैं. लास्ट में जाके ये पता चला इट वॉज ऑल फिक्स मिसयूज ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, एंड ये एक बहुत बड़ा स्कैम था जिसको 24 अप्रैल उस वक्त 1992 में ये रिवील किया गया था. और धीरे धीरे करके जब जड़ें साफ होती चली गई तो हर्षद लाल मेहता को अरेस्ट कर लिया गया. इतना सारा पैसा हर्षद लाल मेहता के पास है तो वकील भी आ जाएंगे. जेठ मलानी जी का नाम तभी से बड़ा फेमस हुआ लॉयर के रूप में. तो उन्हें बेल तो मिल गई और वो एक 5-स्टार होटल में आके कॉन्फ्रेंसेस किए, 2 बार कॉन्फ्रेंसेस किए. तो पहली बार में जो कॉन्फ्रेंस हुई तो उसमें ये बोला गया दैट यस द मनी वॉज पेड टू प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव. कितनी रकम थी? 1 करोड़. But if a human name is to be given to this scam, it is not a Harshad Mehta scam, it is a PV Narasimha Rao scam. इसको सुनकर मीडिया ने एकदम से हल्ला मचा दिया. ये कैसे हो सकता है? पीवी नरसिम्हा राव ने, जैसे राजीव गांधी जी भी उस वक्त मना करते थे बोफोर केस को लेकर, जो 64 करोड़ रुपीस आए हैं गए हैं वगैरह, यहाँ पर उन्होंने आउटराइटली मना कर दिया कि कैसे गए. बाद में जब गवर्नमेंट की बॉडीज ने ये बोला कि जिस दिन हर्षद मेहता बोल रहे हैं कि हम 1 CR देने के लिए गए थे, 7 RCR जो रेसिडेंस का मतलब एड्रेस ऑफ प्राइम मिनिस्टर हाउस है 7 RCR, वहां पर प्राइम मिनिस्टर मौजूद ही नहीं थे. देन दूसरा एक क्वेश्चन आया कि ये 1 करोड़ रुपए बेसिकली एक बैग में आ कैसे जाएंगे. उसके लिए दूसरी 5-स्टार होटल में कॉन्फ्रेंस के अंदर में ये डेमोस्ट्रेट किया सारे के सारे लॉयर्स ने कि एक, और वीडियो हुई पूरे के पूरे चैनल्स में ये चीज चली और कोर्ट में भी ये चीज चल रही थी, एंड जेपीसी भी इस चीज के लिए बैठी हवाला को लेकर. हवाला का स्कैम मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसे करेक्टेड है. उन्होंने भी इस चीज को बेसिकली कंसिडर किया कि 1 करोड़ रुपए एक बैग के अंदर कैसे आ सकते हैं. तो ये बेसिकली यही माना गया कि ये गुमराह करने की चीज है, 1 करोड़ लिए ही गए हैं. अब पॉलिटिकल टसल में क्या होता है, जो प्राइम मिनिस्टर है उसको एक अपोजिशन को भी फेस करना पड़ता है. अब प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव बहुत बड़े एब्सोल्यूट मेजोरिटी में तो थे नहीं, 544 मतलब टोटल तो 545 एग्जिस्टिंग सीट्स होती हैं अभी पार्लियामेंट के अंदर, तो 544 उस टाइम पर थी, तो उसमें से 249 सीट्स ही केवल पीवी नरसिम्हा राव के पास थी, मतलब ओनली मार्जिन थे. अब उनको ये लगता था कि यदि मेरे से सपोर्ट वापस खींच ली गई तो मैं क्या करूँगा. उस वक्त बीजेपी कि और भी कई सारे एलाइज थे वो एकदम से ताक लगा के बैठे थे कि कौन कौन से बसे मुद्दे हैं, करप्शन के और भी दूसरे मुद्दे जहां पर प्राइम मिनिस्टर को घेरा जाए, कांग्रेस को घेरा जाए. तो ये हर्षद लाल मेहता स्कैम तो हो ही गया, गोल्ड रिजर्व का मामला हो गया, तो इसके चक्कर में नो कॉन्फिडेंस मोशन पीवी नरसिम्हा राव को फेस करना पड़ा उस टाइम पे. हालांकि वो इस नो कॉन्फिडेंस मोशन में सर्वाइव कर गए. लेकिन यहां पर ही एक दूसरा स्कैम आ जाता है, कैश फॉर वोट स्कैम. मतलब आप MPs को पैसा भी तो दे सकते हैं आपके लिए वोट करने के लिए, ऐसा किया गया.
ये भी एक अपने आप में स्कैम निकल के आ गया कि फ्री बीज बांटी गई। इसको हम शेड्यूल 10 के अंदर में एंटी डिफेक्शन लॉ जो राजीव गांधी जी की गवर्नमेंट लेकर आई थी उसके अंदर में भी पढ़ते हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग किस तरीके से होती है, घोड़े कैसे बेचे जाते हैं। घोड़े का मतलब ये है कि MPs, और घोड़ा वर्ड इसलिए कि तेज दौड़ता है, जैसे मन है नोट को देख ले, हरे हरे लाल लाल गांधी जी को देख ले तो एकदम से धड़कने तेज हो जाती है, हाय मुझे मिल जाए, तो इसलिए ये हॉर्स ट्रेडिंग नाम अपने आप में पॉपुलर हो जाता है। नाउ यदि इन सब चीज़ों के आगे चलते हुए यदि हम ये कनेक्ट करने की कोशिश करें कि PV नरसिम्हा राव क्या इन सब चीज़ों की ड्रिल ग्रिलिंग अपोजिशन जो कर रही है कहीं ना कहीं एक कार्ड निकालने की कोशिश कर रहे हैं जिससे वो सेव हो पाए, और ये कार्ड उनके हाथ में आया जिसका नाम था हवाला स्कैम। हवाला बेसिकली एक रूट है, यदि हमें पैसा आज की डेट में भी ये एग्जिस्टिंग है और बाहर भेजना हो ये पैसा तो हवाला रूट हम यूज़ कर सकते हैं। तो उस वक्त जैन बंधु की डायरी हिजबुल मुजाहिदीन के जो लोग थे कश्मीर में पकड़े गए और उनके पास एक डायरी हाथ लगी। ये कुछ कुछ ऐसा ही है जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले टेलीग्राम की बात करी थी कि VP सिंह को एक टेलीग्राम मिला जब वो डिफेंस मिनिस्टर थे और विदाउट प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जी की कंसेंट के, उनके अप्रूवल के इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर देते हैं, क्योंकि राजीव गांधी जी भी उन्हें घेर रहे थे, इधर VP सिंह भी मन बना चुके थे कि मैं इन्हें काउंटर करूंगा। तो ऐसा ही यहाँ पे हो रहा है कि हवाला स्कैम भी एक तरीके से उस टेलीग्राम की तरह निकल के आ गई ये डायरी। इस डायरी का नाम था जैन बंधु डायरी, बड़े बिजनेसमैन NK जैन SK जैन। इसके अंदर में उन्होंने कहा कि इसमें सारे नाम लिखे हुए हैं कि किन किन लोगों को हवाला रूट के थ्रू पैसे मिले हैं। अब हवाला रूट बेसिकली एक इनफॉर्मल रूट है जिसके थ्रू पैसे पहुंच सकते हैं, स्विस बैंक में भी बाहर के लोग मदद करते हैं। किनको पैसे मिले हैं, जितने भी अपोजिशन के बड़े बड़े चेहरे थे उन सबको, सबसे बड़ा चेहरा लाल कृष्ण आडवाणी जी, राइट, मदन लाल खुराना जी, सिंधिया जी, राइट, एंड और भी कई सारे मैंने यहाँ पे यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ साथ में देवीलाल जी, जसवंत सिन्हा, बलराम झाकड़, ये सारे के सारे लोग थे। लाल कृष्ण आडवाणी जी ने जैसे ही उनके ऊपर ये आरोप लगा उन्होंने अपना जो मेंबरशिप है पार्लियामेंट का उसे रिजाइन कर दिया और एक कसम और खा ली कि मैं अब जब तक इलेक्शन नहीं लड़ूंगा जब तक मेरा ये वाला चार्ज जो है वो क्लियर नहीं हो जाता, आप CBI की इंक्वायरी बैठा लो वगैरह वगैरह। CBI की इंक्वायरी बैठी। CBI आज की डेट में भी ऐसा बोला जाता है, जैसे मैं आज हिंदू का न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, बड़ी अच्छी लाइन थी, दैट जो जो लोग आज की सरकार को ज्वाइन कर लेते हैं CBI उनको सबको क्लीन चिट दे देती है, सब क्लीन हो जाते हैं, और जैसे ही वो दूर जाते हैं या दूसरे खेमे के लोग हैं CBI उनको बुक कर लेती है। बेसिकली ये ग्रेन ऑफ ट्रूथ तो इसमें हो सकता है, लेकिन CBI अपने आप में एक इंडिपेंडेंट बॉडी भी होनी चाहिए। तो उस वक्त CBI ने यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स को भी चार्जशीट किया, जो अपने आप में एक बहुत पहला एडवर्स इम्पैक्ट डेमोक्रेसी के ऊपर बनता है, जो कि एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है और वो यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स को गिरफ्तार कर रही है। ये अपने आप में डेमोक्रेसी के ऊपर ही कलंक है एक तरीके का, कैसे कैसे लोगों को चुनके भेज दिया है कि जो गिरफ्तार हो जाते हैं करप्शन के चक्कर में। नाउ CBI ने जब उनको गिरफ्तार किया और फिर उसके बाद कोर्ट को सपोर्ट कर दिया, कोर्ट ने 1997 में लाल कृष्ण आडवाणी जी को क्लीन चिट दी। क्या बोला कि CBI ने ये जो चार्जशीट इस डायरी के बेस पे की है इसको हम एडमिट एज अ प्रूफ नहीं कर सकते, कोर्ट से ऊपर तो CBI नहीं हो सकती, और कोर्ट ने एक न्यूट्रल निष्पक्ष ये डिसीजन दिया था। ये सब बेसिकली अटैक काउंटर अटैक का पूरा सिनेरियो था। नाउ इसी के साथ साथ मैं बेसिकली मैंने एक छोटा सा ये यहाँ पे लिखा हुआ है, मुझे याद आया जब मनमोहन सिंह जी की जरूरत पड़ी थी नरसिम्हा राव जी को, तो उन्होंने सीधा सीधा फोन मिलाया था मनमोहन सिंह जी के पास जब वो UGC के चेयरमैन थे, कहा हो, सीधे कपड़े पहन के आप प्रेसिडेंट हाउस में पहुंचो, क्यों, वहां पे शपथ दिलाई जानी थी फाइनेंस मिनिस्टर बनने की। और एक महीने बाद मनमोहन सिंह जी ने बजट पेश किया और एक सेंटेंस के साथ में पेश किया था, ये UPSC के एग्जाम एंड स्टेट सर्विसेज के एग्जाम्स में भी पूछा जा सकता है, ये स्टेटमेंट किसका है, नथिंग कैन स्टॉप दैट आइडिया हुज टाइम हैज कम, विक्टर ह्यूगो, उनका बेसिकली ये स्टेटमेंट है। मतलब जिस आइडिया का समय आ चुका है उसको कोई भी नहीं रोक सकता, और ये आइडिया था LPG का, परमिट राज, कोटा राज, लाइसेंस राज, सबको खत्म करना था। लाइसेंस राज मतलब बहुत हार्ड रूल्स एंड रेगुलेशन, जिसको बोलते हैं रेड टेपिज्म, ठीक है। कोई बाहर का आदमी बिजनेस करने के लिए आए तो उसको एक कंफर्टेबल बिजनेस एनवायरनमेंट चाहिए, सिंगल विंडो क्लियरेंस चाहिए, 24/7 अप्रोच चाहिए कि भाई एक ही जगह पे सारी की सारी चीजें क्लियर हो जाए। मतलब एक रोजी पिक्चर, जैसे प्राइवेट सेक्टर बैंक में आप जाते हैं तो हर कोई आपका तैयारी के लिए खड़ा हुआ है स्वागत के लिए कि सर हाउ मे आई हेल्प यू। सरकारी बैंक में आप जाओ 10 बजे का टाइम है, 10:30 बजे तक बाबू ही अपनी चेयर पर नहीं आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा खराब सा है। अब तो ये चीज़ें सुधर गई हैं लेकिन पहले बड़ी खराब थी।
तो ये जो रेड कारपेट अप्रोच है, स्वागत वाली वेलकमिंग अप्रोच जो बिजनेस को अट्रैक्ट करती है बाहर से, ये बेसिकली एलपीजी के अंदर में आना था। और ये आइडिया वही रेड कार्पेटिज्म था जो रेड टिपिज्म को रिप्लेस कर रहा था। नाउ कमिंग बैक टू दिस हर्षद मेहता, नाउ हर्षद मेहता को बेसिकली दोबारा बेसिकली रिलीज कर दिया गया, स्टॉक मार्केट में आ गए, आलवानी जी को छोड़ दिया गया। और 99 में, 1999 जब कारगिल वॉर चल रहा था, तब एक छोटे से केस में हर्षद मेहता को 5 साल की जेल हुई। 2001 में हर्षद मेहता खत्म हो गए, पैसा खूब सारा था। लेकिन 1996 में इस हर्षद मेहता स्कैम के चक्कर को लेकर, हवाला स्कैम का यूज किया पीवी नरसिम्हा राव जी ने अपनी सरकार को बचाने के लिए, और 1996 में करप्शन को अगेन हाईलाइट किया गया, जैसे पहले हाईलाइट किया गया था वीपी सिंह जी ने अपने आप को प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए, और वो सरकार को बचा नहीं पाए। 1996 में अगेन इस करप्शन स्कैम्स को लेकर सरकार गिर गई। और तो और दोस्तों, 2011 12 13 यूपीए की सरकार थी, मतलब कांग्रेस लेड गवर्नमेंट जो थी, उसमें कोल स्कैम, 2G स्कैम, निर्भया, इन एंड अन्ना हजारे ऐसे क्रूसेडर करप्शन के बन गए लोकपाल बिल को लेकर। इन सब चीजों के चलते हुए UPA 2 हाईलाइट हुई, और अपनी गलतियों की वजह से वो इलेक्शन हारे। क्योंकि आज की जो सरकार है, मोदी जी हैं, ये तो विपक्ष में बैठे हुए थे, और जो यूपीए की सरकार है वो 2004 से लेकर 2014 तक, 10 ईयर्स तक पूरे टर्म में रही। क्या उन्होंने किया क्या नहीं किया, बट ये बात पता चलती है कि अपनी गलतियों की वजह से, करप्शन की वजह से वो लोग इलेक्शंस को हारे, और इस सरकार को बेसिकली जनता ने चुना भेजा, बहुत बड़े बहुमत से नहीं भेजा था। 2014 से लेकर 2018 तक मोदी जी ने खूब अच्छा खासा काम किया। जो भी रहा हो, लोगों को फील ये हुआ कि दोबारा इस सरकार को न्योता देना चाहिए सरकार बनाने के लिए, जो इस पार्टी को, और पूर्ण बहुमत से, इतना कंफर्टेबल मेजोरिटी से वो सरकार दोबारा पावर में आती है। और आज जब 2024 चल रहा है, इलेक्शन का अगेन टाइम आया है, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि 2024 में लोगों का एक हार्मोन बना हुआ है सरकार को लेकर, एक फ्लेवर है, एक फर्वर है, एक सिक्योर्ड एनवायरनमेंट है, एंड इंटरनेशनल सिनेरियो को लेकर यदि हम बात मैं करूं, सारे के सारे मुद्दों को उठा के, बिजनेस के लिए इंडिया एक ऐसा डेस्टिनेशन है कि हर बड़ा लीडर, इंक्लूडिंग US एंड रशिया, देख तो रहा है इंडिया को, लेकिन इंडिया के सामने आंख से आंख मिला के तो दूर की बात है, बैड विशेस भी रखना या उल्टी बात भी करना, उनको ऐसा लगता है कि हम कहीं पंगा ना ले लें इंडिया से। इतनी बड़ी एक पावर टू रिकोन विथ इंडिया अपने आप में होती जा रही है, जो कि एक लीडर, कैरिस्मेटिक लीडर की वजह से भी हो सकता है। जी यस, मैं मोदी जी की बात कर रहा हूँ, जिसको अपने लिए कुछ नहीं है, उनके ना आगे ना कुछ पीछे। और कुछ चीफ मिनिस्टर जैसे NCR के लोग बोलते हैं, अरे नहीं, लालच है, हवस है, एक एक धन की, एक एक मनी की, भाई वो आदमी कहाँ लेके जाएगा। और बहुत सारी चीज़ों को देख के जो प्रैक्टिसेस करते हैं, जो साधु महात्मा, वही ये इंसान प्रैक्टिस करता है, तो एक लाइफ स्टाइल से पता लग जाता है। ऑफिसर्स यदि रेस्पेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो अपने आप में रोल मॉडल बना हुआ है कि मैं ऑफिस में ऑफिस के टाइम से पहले पहुंच जाता हूँ और बात तक बैठता हूँ। हालांकि उनका परिवार नहीं है इसलिए वो ऐसा कर पाते हैं, लेकिन वो किसी को रोकते नहीं है, लेकिन वो अपने आप में इतने बड़े रोल मॉडल बन जाते हैं कि दूसरे लोग उनको फॉलो करते हैं। सो दिस इज वॉट एक्चुअली वी नीड फ्रॉम RN2, एंड आई फील दैट ये जो करप्शन का मुद्दा है, अपने आप में बहुत बड़ा तो है, लेकिन एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड के पेपर को लेकर जो मैं आपको कंटेंट दे सकता था इस करप्शन के टॉप एब्स्ट्रैक्टिव टॉपिक को कॉन्क्रीट बनाने के लिए, तो मैंने अपनी पूरी की पूरी कोशिश की है। और भी कोई सजेशन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं, और यदि कोई और दूसरा टॉपिक हो जिसके ऊपर मुझे बात करनी है, वो भी आप मेरे को सजेस्ट कर सकते हैं। आप लोगों के सजेशन से ही ये प्रोडक्ट बेसिकली इम्प्रोवाइज हो सकते हैं। मैं क्लासेस तो लेता ही हूँ, जैसे मैंने शुरू में भी कहा था, अभी भी मैं अगेन यही बात कह रहा हूँ कि आप लोगों से कनेक्ट रहने के लिए इन PDF का मैं डायरेक्ट यूज़ करके कम टाइम में, 2-3 घंटे में 10 घंटे की क्लास का वीडियो बना देता हूँ। और तो कुछ नहीं, बाकी आप और हमारा साथी सब कुछ है। अगेन दूसरे वीडियो में दोबारा बहुत ही जल्दी मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय। प्यासा है तो कुएं के पास आएगा ही, जब तक एग्जाम क्लियर नहीं हो जाता तब तक तो जरूर आएगा। कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, किसी भी फीमेल को ये नहीं सोचना चाहिए कि यार मेरे को आप हीरो का हार ला के दो, उसे तो ये कहना चाहिए क्या हीरा जब मैं
तुझे देखती हूँ, मतलब अपने हस्बैंड को या मेल को देखती हूँ, तो बस तेरे से बड़ा हीरा मुझे कोई नजर ही नहीं आता। तो मे बी रजनीकांत इज अ वेरी फेमस हीरो इन साउथ इंडिया एंड ही इज नोन फॉर हिज वैल्यू सिस्टम। रॉबर्ट क्लाइव ने ये तक बोला कि मैं चाहता तो ये रकम करोड़ों रुपए में हो सकती थी, लेकिन मैंने ऐसा क्यों नहीं किया, इस पर मैं भी ताज्जुब करता हूँ। जैसे जैसे आप मैच्योर होते जाएंगे, वैसे वैसे आपको चीजें और भी ज्यादा क्लियर होती जाएंगी, और मैच्योर्ड आदमी की बातें सुनना बड़ी भारी भरकम हो जाती है। अभी यहां पर एक चिट्ठी जो बेसिकली बाद में यही समझ में आया कि प्रणब मुखर्जी ने लिखी है, क्योंकि एक ऐसी पोइट की लाइन वो प्रणब मुखर्जी ही यूज कर सकते हैं। हाँ जी, वही प्रणब मुखर्जी जो हमारे देश के राष्ट्रपति भी बने बाद में। वास्तव में बात दो ही अटेम्प्ट में बन जाती तो यूपीएससी ने 4 अटेम्प्ट या 6 अटेम्प्ट क्यों किए हुए हैं, क्योंकि छठवें अटेम्प्ट में भी लोग आईएएस बनते हैं और टॉप करते हैं। लेकिन फेयर फैक्स स्पाइंग एपिसोड से वीपी सिंह चिढ़ गए राजीव गांधी जी से, और वीपी सिंह जी ने मन बना लिया था कि मैं अब बेसिकली इनका पर्दाफाश करूंगा और इनको काउंटर करने की कोशिश करूंगा। इसके अंदर में कमीशन खाया गया है, और शक ये था कि कांग्रेस पार्टी की जो डायनेस्टी है, बेसिकली नेहरू परिवार, राजीव गांधी जी या इनके जो स्विस बैंक अकाउंट हैं, उसमें ये पैसा मिडिल मैन ने जमा किया है। जब चुनाव लड़ने होते हैं तो चुनाव से पहले वो रात जब लोगों के पास ये शराब नोटों से भरे बैग से नोट निकाल निकाल के दिए जाते हैं, और भी बहुत सारे खर्चे होते हैं, ये कैसे होंगे? हम लोगों के लेवल पे बेसिकली करप्शन कहाँ से होगा? प्रेशियस गिफ्ट जो देने होते हैं, चाहे वो डायमंड नेकलेस हो या डॉरी हो, ओतावियो कुत्रोची कौन है? ये बेसिकली इटालियन रूट से फ्रेंड एंड लाइक फैमिली मेंबर बन जाते हैं। किसके? कांग्रेस के, सोनिया गांधी जी के, राजीव गांधी जी के। ठीक है, सोनिया गांधी जी प्रधानमंत्री ना बनके वो एक ऐसे पर्सन को लेके आए जिसको बाद में लोग एक्यूज करते थे, ये जो पर्सन है ये तो पपेट प्राइम मिनिस्टर है, ये किसी के इशारे पे ही काम करता है, जो मैडम कहती हैं वही ये लोग फॉलो करते हैं। सेंसेक्स इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द हेल्थ ऑफ इकोनॉमी, जो एकदम से ऊपर चला जाता है नीचे भी आ जाता है। सेंसेक्स एकदम से ऊपर जाने लगा, स्टॉक ब्रोकर सारे के सारे काम कर रहे होते हैं, लेकिन एक स्टॉक ब्रोकर जिसका नाम था हर्षद शांतिलाल मेहता को तो बेसिकली अमिताभ बच्चन ऑफ स्टॉक मार्केट कहते थे। उसके अंदर में भी पढ़ते हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग किस तरीके से होती है, घोड़े कैसे बेचे जाते हैं। घोड़े का मतलब ये है कि एमपीज, और घोड़ा वर्ड इसलिए कि तेज दौड़ता है, जैसे मन है नोट को देख ले, हरे हरे लाल लाल गांधी जी को देख ले तो एकदम से धड़कने तेज हो जाती है, हाय मुझे मिल जाए, तो इसलिए ये हॉर्स ट्रेडिंग नाम अपने आप में पॉपुलर हो जाता है।